स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल हेलो गाइज वेलकम टू दी स्टडी आई क्यू एंड टूडे वी आर गोइंग टू सी अ पर्टिकुलर सिविलाइजेशन विच इज फेमसली नोन एज हरप्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन इन द कंट्री तो लेट्स गो वन बाय वन ओके So, this is basically Harappan Civilization. So, what I am going to do is that I am going to cover roughly certain aspect of ancient India for the content enhancement in your preparation. In this particular series, I will be covering up with a certain themes. First of all, I am going to start with Harappan Civilization, from thereafter Vedic Civilization, Magad Empire and Gupta Empire. So, this is roughly that I am going to cover in this particular series. So, today we are going to cover the Harappan civilization. Now, within Harappan civilization, we are going to see that what do you mean by civilization, right? First of all, since it is a Harappan civilization collection, and thereafter, different parameters of the civilization which entails urbanization, thereafter, economy of the Harappan civilization, society, culture, thereafter, polity, and thereafter, what were the factors that were responsible for the decline of the Harappan civilization. So, let's go, guys, one by one. So, before starting, okay, let's get into certain background related to the certain terminologies of the ancient India. What is prehistory? What is protohistory? And what do you mean by history? So, ancient history is basically divided into this aspect. So, one by one, we are having this prehistory. So, what is the meaning of the prehistory? Thereafter, what is the meaning of the protohistory? And thereafter, what is the meaning of history? तो प्री हिस्ट्री इज बेसिकली दैट पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री एक ऐसा पार्ट है हमारे हिस्ट्री का जिसके बारे में उन लोगों ने कुछ लिखा नहीं है वी जस्ट गेट टू नो अबाउट दिस पार्ट फ्रॉम द पर्टिकुलर जैसे फॉर एग्जाम्पल वॉल पेंटिंग जैसे भीम बेटका का वॉल पेंटिंग आपने सुना होगा देर आफ्टर सर्टन टूल्स और इंस्ट्रूमेंट जैसे माइक्रोलिथ के बारे में आपने सुना होगा सो दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी वॉज बेसिकली हंटर्स एंड गैदर

एस्पेक्ट सो इन इंडिया प्री हिस्ट्री इज बेसिकली वाला जो पीरियड है इंडिया में दिस इज रफली कॉल्ड एस प्री हिस्ट्री पैलियोलिथिक का मतलब क्या होता है लिथिक मतलब स्टोन पहलीओ मतलब ओल्ड तो ओल्ड स्टोन एज ठीक है इसको अश्मयुग भी बोला जाता है राइट तो ओल्ड स्टोन एज दर आफ्टर मेजो मतलब मिडल वाला मिडल वाला स्टोन एज एंड दर आफ्टर नियोलिथिक नियोलिथिक मतलब नया वाला स्टोन एज तो सिंस इट वॉज अ स्टोन एज तो इन लोगों ने अपने बारे में कुछ लिखा नहीं बट हमें पता है कि ये लोग वहां पे थे कैसे पता हम लोगों को बिकॉज इन्होंने बहुत सारे एविडेंसेस पीछे छोड़े हैं जैसे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि भीम वेट का के ये भीम बेट का केव जो है ओके इट इज़ बेसिकली मोर देन 200 हंड्रेड केव्स इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश जहाँ पे इन्होंने वॉल पेंटिंग्स करके रखी है इनके टूल्स हम लोगों को मिले हैं एंड फ्रॉम वॉल पेंटिंग इन्होंने बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हम लोगों को बताई है जैसे कि इनको फायर के बारे में पता था आफ्टर इन लोगों ने कौन से कौन से एनिमल को हंट किया इसकी सारी की पेंटिंग्स इन लोगों ने बना के रखी है तो ये वाला जो पार्ट है इसको आप बोलोगे प्री हिस्ट्री कि ये लोगों ने अपने बारे में कुछ लिख के नहीं रखा बट वी डू गेट टू नो अबाउट दिस पीपल फ्रॉम सर्टन अदर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस प्री हिस्ट्री इज दॉलोड बाई प्रोटो हिस्ट्री नाउ प्रोटो हिस्ट्री इज दैट पार्ट जहां पे इन लोगों ने कुछ लिख के रखा है अपने बारे में बट हम लोगों को ये पढ़ना नहीं आता है इट्स बेसिकली वी हैव नॉट डी साइफर्ड वी हैव नॉट डी साइफ द स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट मतलब जो आप लिखते हो जैसे आप हिंदी भाषा लिखोगे तो देवनागरी स्क्रिप्ट आप यूज करोगे वैसे ही जब आप इंग्लिश लैंग्वेज लिखोगे तो अल्फ़ाबेट इज द स्क्रिप्ट ए बी सी डी तो वो स्क्रिप्ट होती है अगर आपको स्क्रिप्ट ही नहीं पढ़ना आएगा तो फिर आप इनके बारे में कैसे पढ़ोगे तो वैसे ही दिस पर्टिकुलर पार्ट ओके इन दिस पीपल हैव रिटन समथिंग अबाउट डेमसेल बट हमें ये पढ़ना नहीं आ रहा बट हमें इनके बारे में फिर कहाँ से पता चला हमें इनके बारे में पता चला फ्रॉम अदर सिविलाइजेशन दूसरी कोई तो सिविलाइजेशन है जिन्होंने इनके बारे में लिख के रखा है और हमें वहां से इनके बारे में पता चला ओके फॉर एग्जाम्पल हरप्पा इन आवर पर्टिकुलर हिस्ट्री हरप्पन प्रोटो हिस्टोरिकल फेस तो हरप्पा का जो फेस है दैट इज रफली 2500 थाउजेंड से लेके 1500 थाउजेंड तक ये वाला जो पर्टिकुलर इरा है दिस पर्टिकुलर इरा इज नोन एज प्रोटो हिस्ट्री बिकॉज हरप्पन पीपल ने अपने बारे में कुछ लिख के लिखा हम लोगों को वो पढ़ना नहीं आता तो हमें हमें हरप्पन्स के बारे में कहाँ से पता चला अदर सिविलाइजेशनल सोर्सेस से फॉर एग्जाम्पल मेजोपोटामिया मेजोपोटामिया इज अनादर एशियन सिविलाइजेशन यानी मेजोपोटामियन सिविलाइजेशन ने हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिख के रखी अब देखेंगे क्या क्या लिख के रखा है इन द लेक्चर तो दिस पर्टिकुलर फेज इज नोन एज प्रोटो हिस्ट्री and proto-history is then followed with the history. so historical phase means that people have written something about themselves and we can read that particular aspect. so for example, in indian culture or indian history, the actual history starts with the vedic age. so vedic age, it starts from 1500 bc onwards. okay? आपने सुना होगा। ये लिखे लिखे ही संस्कृत लैंग्वेज में हैं। तो ये संस्कृत लैंग्वेज हम पढ़ सकते हैं। तो वी कैन क्लियरली गेट टू नो अबाउट दिस पीपल ऑल्सो कि भाई ये लोग कौन थे इन्होंने क्या किया इनकी पॉलिटी कैसी थी सोसाइटी कैसी थी इकोनॉमी कैसी थी एक्सेट्रा एक्सेट्रा नाउ एज फार एज यूपीएसन फ्रॉम द जी एस आपको ये वाला फेस थोड़ा सा आपने नहीं पढ़ा तो भी चलेगा दिस इज फॉर ऑप्शनल दिनल तो इसके ऊपर इतना ध्यान मत दो यूपीएससी यूजली यहाँ से सवाल नहीं पूछता है ओके हरप्पा ऑनवर्ड इज समथिंग दैट इज समर्टेंट अभी रिसेंटली एक कॉन्ट्रवर्सी भी हुई थी आफ्टर द डेथ ऑफ क्वीन एलिजाबेथ एक न्यूज रिपोर्टर था अमेरिका का जिसने बोला कि इंडिया का सिविलाइजेशन जो है वो चालू ही हुआ विद द एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया तो टुडे वी आर गोइंग टू सी दैट कि भाई वो चीज तो है ही नहीं शशि थरूर ने भी उसको काउंटर किया था विथ इंडस वैली सिविलाइजेशन और दी हरप्पन सिविलाइजेशन तो अब देखेंगे कि व्हाट इज दिस पर्टिकुलर इंडस वैली सिविलाइजेशन और हरप्पन सिविलाइजेशन इन आवर अदर लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर वैदिक एज एंड ऑनवर्ड्स वाला पार्ट ओके okay?

बेसिकली यू कैन सी जो भी सिविलाइजेशन इसी एरिया में क्यों आई किसी और एरिया में क्यों नहीं आई बिकॉज यहां पे आपको समझना पड़ेगा अगेन अ ब्रीफ बैकग्राउंड ओके जैसे जैसे ह्यूमैनिटी आगे बढ़ी पैलियोलिथिक से मेजोलिथिक मेजोलिथिक से नियोलिथिक नियोलिथिक के आगे

इट इज बेसिकली एन एलॉय ऑफ टिन एंड कॉपर ओके इट्स मेटल बेसिकली एंड इट्स एन एलॉय ऑफ टिन एंड कॉपर तो आप यहाँ पे अगर देखोगे तो ये राजस्थान वाला जो एरिया है ओके इट इज इंडिया टिल वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्सेस ऑफ द कॉपर खेत्री माइंस राजस्थान में आज भी है ये खेतरी माइन्स में कॉपर सोर्सेस आर क्वाइट एम्पल जो है वो आता है आपके अफगानिस्तान के एरिया से अफगानिस्तान इज है टिन इन लोगों ने अफगानिस्तान से लाया एंडर इन लोगों को मिला कहा राजस्थान एरिया एंड विद दिस यूज दे कुंड मेटल दैट इज ब्रॉन्स मेटल एंड दिस पर्टिकुलर एज इज ऑल्सो नोन एज ब्रॉन्स एज ओके

जब सेटल लाइफस्टाइल ही नहीं होगी तो आपका सिविलाइजेशन अर्बन कैसे होगा या फिर सिविलाइजेशन आगे कैसे बढ़ेगा राइट सो दैट्स फॉर एनी सिविलाइजेशन टू थ्राइव मतलब कोई भी सिविलाइजेशन को अगर आगे बढ़ना है तो उनको एग्रीकल्चर होना काफी जरूरी होता है ताकि सर्टन सेक्शन इज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर से वो क्या करेंगे सरप्लस प्रोड्यूस करेंगे एंड दिस अलाउड अदर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन टू कैरी आउट सर्टन अदर एक्टिविटी अगर घर पे खाना ही नहीं होगा तो फिर क्या करना पड़ेगा सबको खेती करनी पड़ेगी बराबर बट आप अभी के कंट्री में भी देखो या फिर अभी के मॉडर्न सिविलाइजेशन में भी देखो दर इज ऑनली सर्टन सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर द रेस्ट ऑफ द सेक्शन कैन टेक अदर एक्टिविटी जैसे कोई इंजीनियर है कोई डॉक्टर है कोई एंटरप्रेन्योर है ये क्यों है बिकॉज ऑब्वियसली खाना प्रोड्यूस करने के लिए फार्मर्स है वो सरप्लस प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो सरप्लस प्रोड्यूस मार्केट में बेच रहे एंड दैट्स हाउ यू कैन गेट योर फूड सो दैट्स एग्रीकल्चर इज क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड ये जो फर्टाइल प्लेन ऑफ इंडस वैली है ओके इट अलाउड दिस पीपल टू प्रोड्यूस सरप्लस ऑफ ऑफ एग्रीकल्चर तो इनके पास एक एडवांस काइंड द मेटल भी था इनके पास सरप्लस ऑफ एग्रीकल्चर भी था एंड दैट इज हाउ द अर्बन कैरेक्टर इन द कुड क्रीप इन मतलब अर्बन कैरेक्टर ऑफ इकोनॉमी स्टार्टेड टू शो इट्सल्फ एंड दैट्स एज पीरियड ऑफ फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन कंट्री ऐसा नहीं है कि हरप्पंस के बाद साथ में और कोई था नहीं जिस टाइम पे यहाँ पे पे थे उसी टाइम राजस्थान में दूसरा कल्चर चल रहा था ठीक है जिसको आप बोलोगे कायत कल्चर अहरबानस कल्चर जोधपुर गणेश्वर कल्चर ये अदर सिविलाइजेशन थे मतलब दिस पर्टिकुलर पीपल वेर एग्रेरियन देड नॉट डेवलप्ड अ काइंड ऑफ अर्बन सिविलाइजेशन लाइक दैट ऑफ हरप्पा ओके कंबाइनली आप इसको बोलोगे ओके दिस पर्टिकुलर कल्चर इज कॉल कॉल्ड एज चेल्कोलिथिक कल्चर तो ये चैल्कोलिथिक पीपल भी यहाँ पे रह रहे थे ओके हरप्पन्स पीपल भी यहाँ पे रह रहे थे बट हरप्पन्स के बारे में हमें ज्यादा पता है बिकॉज हरप्पन वेर एग अर्बन बेसिकली अर्बन सेटलमेंट एंड सिंस इट वॉज एन अर्बन सेटलमेंट इन्होंने बहुत कुछ बड़ी बड़ी चीजें बना के रखी है तो आर्क्योलॉजिकल एविडेंस हम लोगों को इनके बारे में पता चला सेकेंड डिस्ट पीपल है किसके साथ थे तो ग्रेट एंशियन सिविलाइजेशन के साथ वन ऑफ द बिगेस्ट सिविलाइजेशन वॉज मेजोपोटामिया एट दैट टाइम एंड मेजोपोटामिया के साथ इनके अच्छे खासे ट्रेड रिलेशन भी थे तो दिस इज बेसिकली रफ अबाउट दी हरप्पन सिविलाइजेशन कि हरप्पन सिविलाइजेशन जो है वो इसी पर्टिकुलर एरिया में क्यों आया सेकेंड थिंगट यू नीड टू रिमेम्बर इज दैट हरप्पन सिविलाइजेशन इज डिडेड इन टू डिफरेंट फेजिस तो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस जो हरपन सिविलाइजेशन के है वो कौन से कौन से हैं तो एक एक करके देखेंगे तो पीरियड दैट इज बिफोर 2300 बीसी एंड थ्री हंड्रेड बी जो है okay, इसके पहले वाला जो पीरियड है तो so रफली 2500 500 बीसी से लेके 2300 बीसी तक ये वाला जो आपका फेस है उसको आप बोलोगे प्री हरप्पन फेस दर आफ्टर एक मैच्योर हरप्पन फेस है मैच्योर हरप्पन फेस इज रफली फ्रॉम 2200 बीसी से लेके 1800 बीसी तक एंड तक एंडर फिर लेट हरप्पन फेस एक है विच इज फ्रॉम 1800 बीसी से लेके 1500 बीसी तक ट्रेस किया जाता है तो बेसिकली फेजेस क्या होते हैं जैसे कि इंडिया को भी पकड़ लो तो so, इंडिया आपको पता होगा कि वॉज अ कॉलोनियल कंट्री तो यू कॉल इट एज अ कॉलोनियल फेस तो कॉलोनियल फेस में हमारा जो इकोनॉमी था इट वॉज ऑन डिक्लाइन and thereafter from 1950 onward india became independent so new independent phase started in the life of indian people and from 1950 onward we can say that it was a period of basically economical development in the country so वैसे ही हरप्पा में भी ये पीपल पहले आए इन दिस पर्टिकुलर एरिया दे स्टार्टेड टू सेटल तो ये जो सेटलमेंट वाला अर्ली सेटलमेंट वाला जो फेस है उसको आप बोलोगे प्री हरप्पन फेस देर आफ्टर फिर ये जो सेटलमेंट है वो बढ़ती गई ये अच्छी खासी बढ़ गई जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम दिल्ली के अराउंड देखेंगे तो गुड़गांव वाला एरिया पकड़ लो या फिर नोएडा वाला एरिया पकड़ लो ये पर्टिकुलर एरिया आज से 25, 30, 40 साल पहले यहाँ पे कोई रहता नहीं था बराबर फिर गवर्नमेंट ने कुछ किया वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया फिर वहाँ पर पब्लिक आके रहने लग गई एंड नाउ दैट पर्टिकुलर सिटीज़ आर ग्रोविंग तो वैसे ही इन प्री हरअपन फेस पीपल स्टार्टेड टू कम इन दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट इज दिस पर्टिकुलर पार्ट दे स्टार्टेड टू सेटल ओवर हियर ओके एंड देयर आफ्टर दे गॉट डेवलप दमसेल्व इन टू मैचर फेस एंड देयर आफ्टर ऑब्वियसली एक बार ए पर्टिकुलर एरिया वंस इट गेट्स मैच्योर द नेचुरल डिक्लाइन इज ऑलवेज देयर ओके तो नेचुरल डिक्लाइन तो होना ही होना है बिकॉज ऑब्वियसली फिर वहां पे अपने खुद के प्रॉब्लम चालू हो जाते हैं तो so, जैसे ही मैच्योर एरिया अपने धनित पे, पीक पे पहुंच जाता है पीरियड ऑफ डिक्लाइन इन दी हरप्पन सिविलाईजेशन नो एस फार एज यू पी कंसर्न देन आपको ये चीज याद रखनी है कि प्रीफ हरप्पन फेस और लेट हरपन फेस जीएस परसपेक्टिव के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ओके okay? वो ऑप्शनल परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है तो जब हम ऑप्शनल के लेक्चर देखेंगे उसमें देखेंगे वो चीजें मैच्योर हरप्पन फेस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज मैच्योर हरप्पन फेस में ही सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है हरप्पन सिविलाइजेशन का और मैच्योर हरप्पन फेस में से ही हमें सबसे ज्यादा आर्कियोलॉजिकल एविडेंसिस भी मिले हैं एंड लिटरेरी एविडेंसिस भी मिले हैं रिगार्डिंग हरप्पन सिविलाइजेशन एंड ये जो भी आप मैप देख रहे हो ये पूरा का पूरा जो मैप है दिस इज ऑफ वॉट मैच्योर फेस ओके दिस इज नॉट एंटायर हरप्पन सिविलाइजेशन दिस इज अ मैप ऑफ द मैच्योर हरप्पन सिविलाइजेशन जब मैच्योर हरप्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन होना चालू हुआ ओके okay, ये जो मैच्योर हरप्पन फेज जो है जब वो डिक्लाइन होना चालू हुआ देन ऑब्वियसली ये वाला जो एरिया था ओके okay, ये जो मैच्योर हरप्पन फेज का एरिया था ये डिक्लाइन जब होना चालू हुआ तो पीपल स्टार्टेड टू मूव आउट ऑफ दिस एरिया सर्टन पीपल वेंट टूअर्ड द पर्शिया और ईरान वाला साइड वेर आर सर्टन पीपल मूव टूअर्ड द इंडियन वाला साइड एंड दैट्स सा यू कैन सी दैट इन इंडिया ऑल्सो वेरियस डेवलपे फॉर एग्जाम्पल राखी गरी इज देर आफ्टर अक्रॉस नॉर्थ इंडिया है वो काफी छोटी साइट है दिस आर नॉट एज बिग एस्ट डेट ऑफ द मैच्योर हरप्पन फेस तो यहाँ पे जो लोग आए इन द लेट हरप्पन फेस आपका लेट हरप्पन फेज जो चालू होता है दैट इज फ्रॉम एटीन हंड्रेड बी सी ऑनवर्ड तो इन्होंने इस पर्टिकुलर एरिया में भी बहुत सारी छोटी छोटी साइट बनाई है यहां पे आप देख सकते हो मैंने लिख के भी रखा है कि एक्सटेंट एग्जैक्टली exactly क्या है हरप्पन सिविलाइजेशन का तो एक्सटेंट जो है ओके okay, ये एक्सटेंट तो है इन द मैप इट सेल्फ यू कैन क्लियरली सी ओके ऑन द वेस्टर्न साइड वी आर हैविंग सुदका जेंडर एंड सुदका कोहा ये हरप्पन सिविलाइजेशन की वेस्टर्न मोस्ट साइट थी एज फार एज नॉर्थन मोस्ट साइट इज कंसर्न दर्थन मोस्ट साइट ऑफ दरपन सिविलाईजेशन इज मांडा जम्मू एंड कश्मीर यह पाकिस्तान में चला गया है ये दोनों साइट मेच्योर फेस में भी प्रेजेंट थी बट एज फार एज ईस्टर्न मोस्ट साइट कंसर्न देन जो ईस्टर्न मोस्ट साइट जो है उसमें ओके देमगीरपुर ये आलमगीरपुर साइट जो है वो क्या है तो वो लेट हरप्पन फेज की साइट है मतलब यहाँ पे प्री और मैच्योर फेज में कोई रहता नहीं था जब मैच्योर फेज डिक्लाइन हुआ और लेट एर फेज जब चालू हुआ तो लोग यहाँ से मूव आउट होने लग गए टूवर्ड्स इंडिया एंड ये वाली जो साइट है आलमगीरपुर ओके इट इज इन प्रेजेंट ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश है ये ईस्टर्न मोस्ट साइट बन गई एंड आफ्टर एज एस साउथ इज कंसर्न देन साउथ में इज साइट कॉल्ड एज दियामाबाद विच इज इन प्रेजेंट ए महाराष्ट्र तो ये भी एक लेट हरप्पन फेस की साइट है जो मैच्योर मैच में थी नहीं और थी तो वो चैल्कोलिथिक एज की साइट थी हरप्पन सिविलाइजेशन की नहीं तो ये जो है दिस पर्टिकुलर एरिया इज द एक्सटेंट ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन आई होप इट इज क्वाइट क्लियर तो हरप्पन सिविलाइजेशन जब मैं आपको बताऊंगा तो वट इज हरप्पन सिविलाइजेशन देन दिस एंटायर एरिया इज द हरप्पन सिविलाइजेशन एंड दिस पर्टिकुलर एरिया इज डिडेड इन टू थ्री आफ्टर लेट हरप्पन फेस तो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर ना जो हरप्पन सिविलाइजेशन है ये डिस्कवर किसने किया उसके ऊपर भी कुछ फैक्टुअल डाटा है ठीक है तो so, सबसे पहले दयाराम साहनी सहानी जो है ही है डिस्कवर्ड हरप्पा एंडर आफ्टर आर डी बैनर्जी है डिस्कवर्ड मोहनजोदारो ठीक है हरप्पा इज सिचुएटेड ऑन रिवर रावी मोहनजोदारो इज सिचुएटेड ऑन रिवर इंड सेल्फ सो दिस इज पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट

इसमें सिर्फ हरप्पा ही ये नाम क्यों पड़ा बिकॉज पहली जो साइट थी जो दयाराम साहनी ने डिस्कवर की थी वो थी हरप्पा एंड सिंस इट वॉज अ फर्स्ट साइट द एंटायर सिविलाइजेशन गॉट द नेम ऑफ हरप्पा और ये हरप्पा क्यों है तो ये कन्वेंशन है इट्स अ ट्रेडिशन अमॉन्ग हिस्टोरियन कन्वेंशन अमॉन्ग हिस्टोरियन टू नेम अ साइट ओके टू टू नेम सिविलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट साइट दैट इज डिस्कवर्ड ओवर देयर एंड देयर आफ्टर जॉन मार्शल ही वॉज वेरी बिग हिस्टोरियन ऑफ दैट टाइम ही ऑलसो सर्व इन दी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की थी इंडस वैली सिविलाइजेशन तो ये सिविलाइजेशन जो है लेके वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड बी सी तक थी बट इट वॉज अ लॉस्ट सिविलाइजेशन क्यू लॉस्ट सिं बिलॉन्ग टू द प्रोटो हरप्पन पीरियड हरप्पन पीरियड मतलब इन्होंने अपने बारे में कुछ लिख के रखा हमें ये पढ़ना ही नहीं आता तो जब ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने इंडिया का पास ढूंढना चालू किया तो उनको ये साइट मिलनी चालू हुई दयाराम साहनी सहानी आर डी बैनर्जी ये उस टाइम के बड़े हिस्टोरियन थे जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ काम करते थे इट वॉज मार्शल हु हैड पेट्रोनाइज बोथ ऑफ दिस पीपल एंड इन लोगों ने मिल ये साइट डिस्कवर की है साइट डिस्कवर yes, करने के बाद उनको सिमिलर साइट मिली है अक्रॉस इंडिया केम आउट विद एंड टूडेट इज कॉल्ड क्लियर ठीक है बट फैक्चुअल डाटा को थोड़ा सा याद रखने के लिए ये एक्सप्लेनेशन आई होप इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट रहेगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख लेना आई विलसनली गिव अर रिप्लाई टू इट डोंट वरी अबाउट ओके दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द बेसिक ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन ठीक है नाउ वाई दिस पर्टिकुलर हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज कॉल्ड अर्बन सिविलाइजेशन ये अर्बनइजेशन के ऐसे क्या क्या फैक्टर थे जिसके वजह से हमें हरप्पा इतना पढ़ना पड़ता है तो एक, एक करके देखेंगे जब मैं बोलूंगा अर्बन सिविलाइजेशन तो आपको प्रेजेंट डे इंडिया आपके आंखों के सामने लाना है इंडिया इज एन अर्बन कंट्री इंडिया इज नॉट ए रूरल कंट्री बाय एंड लार्ज हमारे पास एग्रेरियन फैक्टर है बट अर्बन फैक्टर जो है वो बढ़ रहा है सो so, अर्बनाइजेशन के क्या क्या फैक्टर होते हैं तो कुछ पॉलिटिकल फैक्टर होते हैं कुछ सोशल फैक्टर होते हैं कुछ इकोनॉमिकल फैक्टर होते हैं जैसे कि अगर मैं पॉलिटिकल फैक्टर की बात करूं तो हमारे पास एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट है जो पूरा इंडिया मैनेज कर रहा है राइट दे आफ्टर हमारे पास पॉलिटी में और क्या क्या है लोगों के पास सर्टन राइट्स है तो ऐसे ही कुछ चीज़ें हरप्पा में भी होगी जो देखेंगे देयर आफ्टर इकोनॉमी अभी हम अर्बन हैं तो मतलब क्या हुआ हमारे पास एक सिटी है सिटी के साथ साथ हमारे पास मार्केट भी है मार्केट के साथ साथ हमारे ट्रेड लिंकेजेस है राइट right? जैसे दिल्ली से मुंबई मुंबई से चेन्नई चेन्नई से कैलकाटा इंटरनल ट्रेड लिंकेज भी है और फिर इंडिया का जो ट्रेड लिंक है वो अमेरिका भी है चाइना भी है डिफरेंट कंट्रीज आर ऑल्सो देयर तो इकोनॉमी में भी वी आर हैविंग मार्केट सिस्टम अर्बन टाउन्स एंड देयर आफ्टर वी आर ऑल्सो हैविंग ट्रेड लिंकेजेस इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल तो हरप्पा में भी ये कुछ ना कुछ तो होने चाहिए वॉट इज द मीनिंग ऑफ हेट्रोजेनस सोसाइटी इसका मतलब पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर एंड लिविंग इन दिस पर्टिकुलर कंट्री तो society, society matlab, so, वैसे ही एक हेट्रोजेनस सोसाइटी हरप्पा में भी होगी एंड इट इज बेसिकली कॉल्ड एज अर्बन सिविलाइजेशन। एंड एक लास्ट फैक्टर होता है जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है अर्बन सिविलाइजेशन का दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपके जो घर है वो वैटल एंड डोप के होंगे तो फिर ऑब्वियसली आपका जो सिविलाइजेशन है दैट इज एग्रेरियन सिविलाइजेशन जैसे चेलकोलिथिक वॉज एन एग्रेरियन सिविलाइजेशन बट अगर आपके पास बर्न ब्रिक के या फिर कोई अच्छे स्टोन के हाउसेस है तो यू कैन सी दैट अर्बन सिविलाइजेशन वॉज देयर देर आफ्टर डिफरेंट पब्लिक बिल्डिंग्स है आपके पास तो ये ऑल्सो तो एक फैक्टर ऑफ अर्बन सिविलाईजेशन है तो वैसे ही हरप्पा में भी ये सारी चीजें थी उनके पास भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ द बिल्डिंग्स वेर देयर उनके पास भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस वेर देयर तो ये सारी चीजें भी देखेंगे कि हरप्पन सिविलाइजेशन अर्बन था क्या देन यस इट वॉज एन अर्बन सिविलाइजेशन बिकॉज इन पॉलिटिक सोशल इकोनॉमिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज दे रिजेम्बल फैक्टर्स विच आर ऑल्सो देयर इन द मॉडर्न सिविलाइज अर्बन वर्ल्ड ठीक है तो एक, एक करके देखेंगे सबसे पहले हरप्पा दे डेवलप्ड, इलेबोरेट टाउन प्लानिंग सिस्टम तो उनके पास एक इलेबोरेट टाउन प्लानिंग सिस्टम थी वॉट टाउन प्लानिंग सिस्टम तो जैसे हम लोगों ने देखा था हरप्पा में अभी ठीक है ये जितनी भी साइज हैं, ये सारे के सारे हरप्पन टाउन हैं, ओके और हर एक टाउन का एक कॉमन पैटर्न होता था एक कॉमन पैटर्न कैसे होता था तो ये था एक्रो एंड लोअर टाउन एक्स एंड लोअर टाउन एक्रोपोलिस को आप अपर टाउन भी बोल सकते हो ओके okay? तो so, एक अपर टाउन होता था और एक लोअर टाउन होता था जैसे कि यू कैन क्लियरली सी इन दिस पर्टिकुलर पिक्चर एक ऊपर वाला टाउन है एंडर आफ्टर ये पूरा नीचे वाला टाउन है दिस पर्टिकुलर फोटो इज ऑफ मोहिंजो दारो ठीक है तो एक्िस है एक बड़ा वाला यू कैन सी दैट ओके ये थोड़ा सा ही पार्ट अभी बचा हुआ है बट आर्कियोलॉजी देर बेसिकली ट्राइंग टू एक्सट मोर एंड मोर पार्ट तो ये उस तरफ और थोड़ा सा फैला है तो एक अपर टाउन हुआ करता था और एक लोअर टाउन हुआ करता था दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट ओके सिंस देर वॉज दिस स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ द टाउन इट सेल्फ तो ये हमें कुछ चीजें बताता है ये हमें क्या बताता है कि यहाँ पे एक स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सोसाइटी था स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सोसाइटी का मतलब डिविजन ऑफ सोसाइटी ओके कुछ लोग लोअर टाउन में रहते थे राइट right? कुछ लोग अपर टाउन में रहते थे राइट तो दिस इज बेसिकली यू कैन क्लियरली सी दैट दिस डिविजन वॉज देयर दैट अपर टाउन एज वेल एज लोअर टाउन ठीक है सो स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सोसाइटी इसका मतलब क्या हुआ और एक चीज कि कुछ लोग अमीर थे कुछ लोग गरीब थे इसका मतलब एक और चीज होती है कि एक रूलिंग एलाइट हो सकता है और एक सब्जेक्ट हो सकते दैट इज ऑर्डिनरी पीपल सो ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट जो है इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट इट वॉज देअर अक्रॉस ऑल द साइट मतलब ये हर एक साइट में था हरप्पा के बाय एंड लार्ज ईच एंडुलर पैटर्न एक Acropolis होगा एंड एक लोअर टाउन होगा और ये मतलब तो ये ग्रीड सिस्टम क्या है तो सर फॉर एग्जाम्पल आपकी एक सिटी है ओके okay? ये पर्टिकुलर सिटी जो है ओके इट विल बी डिवाइडेड इन टू अगर आपने कोई मॉडर्न टाउन देखा होगा जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव गॉन टू चंडीगढ़ और इवन इफ यू हैव गॉन टू नवी मुंबई दैट इज देयर इन मुंबई ओके तो बेसिकली वो जो टाउन है वो ग्रिड सिस्टम में डिवाइडेड रहते हैं तो ये आपके मेन रास्ते रहेंगे ओके विच विल इंटरसेक्ट ईच अदर इन 90 डिग्री एंगल और ये रास्तों के बीच में आपका रहेगा अर्बन सेटलमेंट ये होती है आपकी ग्रिड सिस्टम तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट घर राइट एंड आफ्टर मेन रोड ओके विच विल इंटरसेक्ट एट द डिग्री एंगल सो दिस इज इंटरसेमलो कॉमन एस्पेक्ट अक्रॉस ऑल हरप्पन साइट ये आपको हर एक हरप्पा के साइट में दिखेगा कि सिटी इज डिवाइडेड इन टू वेरियस ग्रिड तो ग्रिड में लोग रहेंगे और ये जो ग्रिड है उसके बाजू में आपको मिलेंगे कॉमन रस्ते सो बेसिकली दिस कॉमन सिस्टम ऑल्सो सजेस्ट दैट दर वॉज अट्रलाइज पॉलिटी अगर सेंट्रलाइज पॉलिटी या फिर सेंट्रलाइज गवर्नमेंट नहीं होता तो फिर ये सेम ग्रिड सिस्टम हर एक हरप्पन टाउन में होती क्या गड़बड़ राइट right? तो ये ग्रिड सिस्टम है देर आफ्टर एंड लोअर टाउन है तो ये सारी चीजें कुछ ना कुछ तो सजेस्ट करती है ये क्या सजेस्ट करती है इट मीन देंट्रलाइज पॉलिटी वॉल देयर स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी वॉल देयर एक्सेट्रा एक्सेट्रा देयर आफ्टर हाउसेस ऑफ बर्न ब्रिक्स वेयर है तो बर्न ब्रिक के हाउसेस आपको इस फोटो में भी मिलेंगे आपको इस फोटो में भी मिलेंगे राइट दिस इज बेसिकली अभी यहाँ पे ज्यादा कुछ बचा नहीं है बट यहाँ पे आपको बर्न ब्रिक्स क्लियरली दिखेंगे सो so, हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज द फर्स्ट सिविलाइजेशन टू यूज हाउसेस ऑफ बर्न ब्रिक हरप्पा के पहले के कुछ हम लोगों ने एरियाज देखे थे पैलियोलिथिक मेजोलिथिक न्योलिथिक एंड चेलकोलिथिक तो इनके पास कोई बर्न ब्रिक के हाउसेस नहीं थे इनके हाउसेस जो थे वो जो नॉर्मल जो जैसे झुग्गी बस्तिया झोपड़ होती है वैसे वाले हाउसेस थे टेम्पररी वैटल डोप काउडंग ऊपर कोई तो झाड़ के पत्ते वगैरह रख के वैसे वाले घर ये लोग बनाते थे बट हरप्पा में फॉर द फर्स्ट टाइम वी कैन क्लियरली सी द हाउसेस ऑफ बर्नड ब्रिक्स आर देयर एंड दिस हाउसेस ऑफ बर्नड ब्रिक्स जो है ओके इट सिग्निफाइज द मॉडर्न सिविलाइजेशन और यू कैन से दैट अर्बन सिविलाइजेशन क्यों बिकॉज द साइज ऑफ ब्रिक्स थी ओके साइज ऑफ ब्रिक वॉज कॉमन अक्रॉस ऑल हरपन टाउन इट अगेन सजेस्ट दैट कहीं तो सेंट्रल सिस्टम uh, में बनते थे एंड आफ्टर ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे बिकॉज इसका जो साइज था इट वॉज कॉमन अक्रॉस दिविलाइजेशन ये फैक्टर आपको आज के सिविलाइजेशन में भी मिलेगा जो आज के सिविलाइजेशन या फिर आप आज कहीं पर भी देखो ओके फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंडिया में

बट उस टाइम पे घर के जो दरवाजे और खिड़कियां थी वो रास्ते के साइड पे नहीं होती थी उसके एग्जैक्टली अपोजिट साइड पे थी तो सिर्फ फॉर एग्जाम्पल ये वाले ग्रिड में अगर कोई घर होगा तो ये घर है तो इसका जो दरवाजा या फिर खिड़की होगी वो इस साइड पे होगी वाई बिकॉज रोड इज ऑन दिस साइड तो बेसिकली विंडोज एंड आफ्टर एंट्रेंसेस ऑफ द हाउस वेयर फ्रॉम द साइड अगेन ये हरप्पन सिविलाइजेशन में कॉमन है

आप पुडग्रीन so, अगर स्टोर कर रहे हो तो आप किसके लिए स्टोर कर रहे हो किसी न किसी कंटिनजेंसी के लिए एमरजेंसी के लिए राइट right? तो so, ये पुडग्रीन अगर स्टोर कर रहे हैं तो उसका हम लोगों ने कोनोटेशन निकाला है दैट वॉरफेयर बेस्ड सोसाइटी वॉज देयर इवन दो सेंट्रलाइज पॉलिटी माइड बी देयर देर वर सर्टन काइंड ऑफ द कॉन्फ्लिक विथ इन हरपन सिविलाइजेशन एंड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ अगेंस्ट अनादर दिस पीपल यूज टू में ग्रैनरीज हमें एक ग्रेट ग्रैनरी मिली है मोहनजोदारो में हमें ग्रैनरीज किसी और जगह पे भी मिली है फॉर एग्जाम्पल हमें हरप्पा के टाउन में भी ग्रैनरीज मिली है कालीबंगन में भी ग्रैनरीज मिली है कालीबंगन टाउन है इट इज इम्पोर्टेंट जिसके बारे में बात करेंगे थोड़े टाइम में बिकॉज कालीबंगन एज द नेम सजेस्ट बंगन मीन्स बैंगल राइट चुड़िया एंड काली मतलब बर्न तो बर्न बैंगल्स हमें यहाँ पे मिले हैं विच सजेस्ट दैट एंटायर कालीबंगन टाउन वॉज बर्न डाउन मतलब उसको जला के खत्म किया था तो अगर कोई कोई टाउन जो जला के खत्म किए है ऐसे टाउन है इस सिविलाईजेशन में ये लोग ग्रैनरी भी मेनटेन रख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर्टन काइंड ऑफ द वॉरफेयर बेस्ड सोसाइटी वॉज देयर एक्रॉस हरपन सिविलाईजेशन सिमिलरली जब मैं बोलूंगा कि भाई ग्रेट बाथ वॉज ऑल्सो देयर तो ग्रेट बाथ इज क्वेट इम्पॉर्टेंट ठीक है ग्रेट बाथ के कुछ फोटोज आपको नेट पे भी मिलेंगे

ceremony which is again a characteristic of the modern or urban civilization. Why? Because it suggests that peaceful society is there. this peaceful society then to so large number of the people might not have come together. Right? Simple. So this is something that is related to the town planning and thereafter elaborate. ड्रेनेज सिस्टम तो इनके पास एक गटर वाला सिस्टम भी काफी अच्छा था ओके okay? तो इनके गटर जो थे वो आज के गटर के जैसे ही थे बेसिकली घर के बाजू में एक गटर निकलता था जहां से घर का जितना भी वेस्ट वाटर है वो डायरेक्टली गटर में जाएगा ये स्टोन स्लैब से गटर को कवर भी करते थे विच सजेस्ट दैट ये स्टोन स्लैब फ्रिक्वेंटली ओपन किए जाते थे और गटर साफ किया जाता था अगेन इलेबोरेट पॉलिटिकल सिस्टम मस्ट है इन ऑर्डर टू मैनेज ऑल दिस एस्पेक्ट तो दिस इज All related to the टाउन प्लानिंग ऑफ दी हरप्पा ओके और हरप्पा का जो टाउन प्लानिंग है वो एक बार हम लोगों ने देखा देर आफ्टर विल मूव ऑन टू द अनादर एस्पेक्ट ऑफ द अर्बन सिविलाइजेशन तो ये अनादर एस्पेक्ट क्या है देन इकोनॉमी तो हमने देखा कि भाई बड़े बड़े टाउन्स तो इन लोगों ने बना दिए टाउन को एक डिफेंसिव मैकेनिज्म भी दिया दैट इज अपर टाउन लोअर टाउन बड़ी बड़ी बिल्डिंगे भी बनाई इलेबोरेट अर्बन लाइफ स्टाइल वॉज डेवलप लाइक बर्न ब्रिक ज सिस्टम थी बट ये सब इन लोगों के पास आया कैसे बिकॉज दिस पीपल वेस्परस ऑब्वियसली जब पैसा होगा तभी तो ये सब बनेगा राइट तो पैसा कहाँ से आया तो पैसा आया बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमी सो एक एक करके देखेंगे पहले एग्रेरियन फैक्टर्स इन द इकोनॉमी एंड दर आफ्टर वील मूव ऑन टू दी ऑदर फैक्टर दैट इज बेसिकली ट्रेड लिंकेजेस तो एज फार एज एग्रीकल्चर इज कंसर्न देन हरपन पीपल जो थे ओके, थोड़ा सा फैक्चुअल डाटा है इसमें कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है तो दो हार्वेस्ट सीजन थे नवंबर में ये बेसिकली सो करते थे अप्रैल में ये बेसिकली हार्वेस्ट करते थे ओके सो बेसिकली वन सीजन साइकिल वॉज देयर वन सीजन साइकिल मतलब नोवर से लेके अप्रैल दैट सेट ये पर्टिकुलर सीजन में ही इन लोगों की एग्रीकल्चरल साइकिल चलती है राइट right? जैसे इंडिया में आज के टाइम पर आपने सुना होगा कि देर आर थ्री एग्रीकल्चरल साइकिल खरीफ रबी एंड जईद तो वैसे इनके पास एक ही एग्रेरियन सीजन था एग्रेरियन साइकिल था दिस पीपल यूज टू सो ओके इन नवंबर एंड दे यूज टू हार्वेस्ट इन अप्रैल तो सोइंग का जो काम है वो नवंबर में करते थे और निकालने का दैट इज हार्वेस्ट का जो काम है वो होता था अप्रैल में दिस पीपल हैड डोमेस्टिकेटेड एनिमल तो डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल जो है इंडिया में जो चालू हुआ था वो चालू हुआ था एज में ओके इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट वाई बिकॉज दिस पर्टिकुलर डोमेस्टिकेशन अलाउड पीपल टू प्रोटेक्ट देयर एग्रेरियन लैंड आज के टाइम पे भी अगर आप जाओगे किसी गांव में देन तो आपको देखिए आपको देखने को मिलेगा कि फार्मर्स के पास तीन चार कुत्ते तो होते ही होते हैं जिसको रात को खेत में अराउंड खेत में छोड़ा जाता है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द एग्रेरियन लैंड तो पीपल डोमेस्टिकेट एनिमल जो है ये डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल इलेबोरेटली आगे बढ़ता गया तो डॉग एंड कैट माइट बी द फर्स्ट एनिमल दैट वेर डोमेस्टिकेटेड बाय द मेजोलिथिक एज बट बाय द टाइम ऑफ द हरप्पा वेरियस अदर एनिमल वे ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड सो जैसे कैटल है गोट्स है ओके सो दिस का एनिमल्स वेड टू बी डोमेस्टिकेटेड

तो ये जो सुरकोतरा में हम लोग को हॉर्स बोन का एविडेंस मिला है इट डज नॉट सजेस्ट डेट हरप्पन अवेयर ऑफ द हॉर्सेस बिकॉज अगर उनको हॉर्सेस के बारे में पता होगा तो सिर्फ एक ही बोन नहीं मिलता पूरे सिविलाइजेशन में राइट तो कंक्लूडेड कि ये जो हॉर्स बोन यहाँ पे आया है ये हॉर्स बोन लेटर फेस में आया है नॉट इन मैच्योर फेस एंड लेटर फेस में भी टूअर्स द एंड ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन आया है जो बाहर से लाया गया है तो दिस पर्टिकुलर बोन एविडेंस ऑफ दॉस बोन विच है प्री हरप्पन फेस मैच्योर हरप्पन फेस एंड आफ्टर लेट हरप्पन फेस ये तीन फेस है इतना इलेबोरेट हम लोगों का सिविलाइजेशन था और उसमें सिर्फ एक ही हॉस बोन मिला है तो इसका मतलब क्या हुआ वो हॉस बोन कहीं बाहर से आया है

ठीक है ये आमरी में हम लोगों को इंडियन राइनो के एविडेंसेस मिले हैं बट एक एक ही बोन नहीं मिला हम लोग को बहुत सारे राइनोस के बोन्स मिले हैं एंड दैट वी हैव फाउंड अक्रॉस इंडस वैली सिविलाइजेशन में आमरी में सबसे पहले मिला था इसके लिए आमरी का नाम थोड़ा सा फेमस है एंडर आफ्टर दिस पीपल वे नॉट अवेयर ऑफ लायंस ओके दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट बिकॉज लायन यू कैन क्लियरली सी दैट इट इज बेसिकली वन ऑफ द नेशनल एम्बल ऑफ इंडिया जो इंडिया का अभी का भी जो नेशनल एम्बलम है उसमें आपको लायन दिखेगा दिस लायन वे आर मेन्शन इन वैदिक पीरियड दे ऑल्सो फाउंड मैंशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मगधन एम्पायर एंड देर आफ्टर ऑब्वियसली इट वॉज रॉयल इन सिग्निया ऑफ अशोकन और मौर्यन एम्पायर टू बट लायन का हमें कोई रेफरेंस नहीं मिलता कहाँ पे हरपन सिविलाइजेशन में दे वे अवेयर ऑफ टाइगर उनको टाइगर के बारे में पता था थोड़े टाइम बाद बात करेंगे बट दे वर नॉट अवेयर ऑफ द लायन तो ये थोड़ी बहुत चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी फ्रॉम द प्रलिम्स पर्स्पेक्टिव ऑफ द यूपीएससी बिकॉज यूपीएससी ऐसे सवाल पूछ चुका है दैट वॉज और वेयर अवेयर ऑफ द हॉर्स तो एक बोन मिला इसका मतलब ये नहीं कि भाई दे वेर अवेयर ऐसा हो सकता है कि भाई वो लेट फेज में आया बहुत बाद में आया राइट एंड आफ्टर एज फार एज लाइन इज कंसर्न तो लाइन के बारे में भी इन लोगों को नहीं पता था तो दिस इज समथिंग दैट वी हैव गॉट टू नो कि देयर एनिमल नॉलेज राइट so their animal knowledge is basically driven by the factor to protect their property and that's why they had domesticated multiple animal and in this particular animal the evidences of the cattle cats dogs goats camel thereafter <coughs> we have also found evidences of the rhino thereafter we have also found evidences of the tiger deer etc etc okay so this is related to the domestication of the animal देयर आफ्टर क्रॉप्स के कौन से कौन से क्रॉप्स लेते थे ठीक है तो हम लोगों को बहुत सारे क्रॉप्स के एविडेंसेस मिले हैं ठीक है सबसे पहले तो बार्ली वॉज देयर देर आफ्टर राइस वॉज देअर राइस हस्क हम लोगों को मिला है राइस हस्क मतलब जो राइस के ऊपर का जो कोटिंग होता है उसको आप हस्क बोलोगे तो दिस राइस हस्क हेज बिन डिस्कवर्ड फ्रॉम रंगपुर एंड लोथल ठीक है तो राइस के एविडेंसेस हम लोगों को यहाँ पे मिले हैं हम लोगों को बार्ली के एविडेंसेस भी मिले हैं बट हम लोगों को व्हीट के एविडेंसेस नहीं मिले हैं ट के बारे में तो कुछ ना कुछ तो खाते थे अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो फाउंड प्लॉक फील्ड इन हरप इन कालीबंग टाउन प्लॉक फील्ड का मतलब क्या हुआ तो जो यू नो खेत में जो प्लॉक चला है आपका हल चला है तो ऐसी वाली एक फील्ड हमें मिली है कालीबंगन में विच शोज दैट हरप्पन्स वे अवेयर ऑफ द एग्रीकल्चरल टेक्निक और इनको हल चलाना भी आता था तो एक हमें एक वुडन फुरो मतलब एक वुडन uh, हल मिला है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव आल्सो गॉट ब्लॉक फील्ड इन कालीबंगन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज फार एज क्रॉप देन इट इज कॉटन ओके सिंपल कॉटन इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट बिकॉज मॉडर्न हिस्टोरियंस है ओरिजिन ऑफ कॉटन इन ग्रीक और इन बेसिकली दिडल ईस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड बट मिडल ईस्ट लोग जो थे दैट इज अरेबियन पीपल जो थे दे यूज टू कॉल कॉटन सिंधन सिंधन का मतलब क्या हुआ द वन दैट इज कमिंग फ्रॉम सिंध एरिया एंड दिस कॉटन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट बिकॉज कॉटन का वन ऑफ द अर्लीस्ट एविडेंस इज ट्रेस टू दी हरप्पन सिविलाइजेशन द टाउन ऑफ मोहिजो दारो ओके इन दिस पर्टिकुलर टाउन वी हैव फाउंड एविडेंसेस ऑफ द कॉटन क्लोथ हम लोग को यहाँ पे एक्चुअल में कॉटन क्लोथ मिला है

तो दैट वी डिस्कवर्ड मच ऑफ द कॉटन विच कैन बी ट्रेस बैक टू दरपन सिविलाइजेशन बट एक बंद डब्बे में हम लोगों को कॉटन के कुछ कपड़े मिले हैं ओके स्मॉल पीस ऑफ द कॉटन मिला है हम लोगों को इन मोहिंजो दारो आफ्टर अरेबियन पीपल इट एज सिट है इट क्लियरली शोज दैट द जेनेसिस ऑफ द कॉटन कैन बी ट्रेस टू इंडिया सो इंडियंस वे अवेयर or Harappan people were aware of the cotton, got it? So, cotton, rice, barley and thereafter certain evidences of the agriculture which we across Harappan civilization. Mile hai. So, these are certain tools, okay, of the, uh, you can say that agri agricultural that we have discovered across the Harappan civilization. तो सबसे पहले तो यू कैन क्लियरली सी कि दिस आर द टाइप ऑफ द टूल्स ओके जो हरप्पा यूज करते थे अपने एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में और ये टूल जो है इसमें जो आपको मेटल दिख रहा है ये जो मेटल है दैट इज बेसिकली ब्रॉन्ज मेटल एंड ये मेटल इज क्वाइट इंपॉर्टेंट बिकॉज हरप्पन एज इज ऑल्सो नोन एज ब्रॉन्ज एज जो हमने थोड़े टाइम पहले देखा है एंड आफ्टर दिस इज एन रेप्लिका ऑफ द बुलक कार्ट बुलक कार्ट सजेस्ट दैट बुल्स बुल्सो डोमेस्टिकेटेड बाई दरपन एंड दिस बुलक कार्ट वॉज यूज इन दी एग्रेरियन activity, okay, so this is something related to the agriculture. Thereafter, the next aspect is the trade and commerce of the Harappan civilization. So, how was the trade and commerce of the Harappan civilization? This is quite important, ठीक है, because trade and commerce जितना आपका elaborate रहेगा, उतना ज़्यादा आपके पास पैसा आएगा, उतना ज़्यादा urbanization आपके area में बढ़ेगा. तो so Harappans carried out trade and commerce. ये हमें पैता कैसे चला? तो so एक-एक करके देखेंगे. सबसे पहले अक्रॉस हरपन सिविलाइजेशन वी हैव फाउंड एविडेंसेस तो ये सील क्या होता है ओके ओके दिस इज सील ये ये एक हुआ ये दूसरा ये तीसरा चौथा पांचवा एंड सिक्स दिस इज अ टाइप ऑफ द सील अब ये हम लोगों को सील मिले कहाँ पर है तो वी मेजरली ऑन द कार्टन मतलब बॉक्सेस पे मिले हैं ओके okay? एंड ये कार्टन में कुछ ना कुछ तो कमोडिटी ट्रेड हुआ करती थी ओके okay?

एंड ये फैक्ट्रीज में जो कार्टन आते थे कार्टनस के ऊपर ये जो सील लगते थे वो जले हुए मिले हैं विच सजेस्ट डेट कि कार्टनस में माल आता था ये कार्ट के ऊपर सील हुआ करते थे तो जैसे ही वो कार्टन ओपन हुआ तो ये लोग सील को जला के फेंक देते थे सो बॉन्ड सील्स है लार्ज नंबर और इन लार्ज क्वान्टिटी विच शोज दैट की भाई ये जो सील्स है विच वेयर यूज इन द ट्रेडिंग एक्टिविटी जब नाइनटीन सिक्सटीज नाइनटीन का जो जमाना था उस टाइम पे ये कंसिडर किया जाता था कि सील्स टू वार्ड ऑफ एविल मतलब कुछ बुरी ताकतों को भगाने के लिए ये सील यूज किया करते थे ओके okay? तो ये सील कुछ ज्यादा बड़े नहीं होते थे काफी छोटे सील होते थे इतना ही साइज होता था इनका कभी कभी थोड़ा सा बड़ा होता था बट बहुत छोटे साइज के सील होते थे इतने बड़े नहीं होते थे इतना इतना या फिर इतना इतना ही सील हुआ करता था तो हिस्टोरियन कंसिडर कि भाई ये कुछ आ, देवी ताकतों वाली चीज होगी ओके टू वार्ड ऑफ एविल कोई भूत बाधा ना लगे इसके लिए लोग इसको एज अ ताबीज यूज किया करते होंगे बट नाउ इट इज क्वाइट एस्टैब्लिश फैक्ट दैट की सील्स का और वो जो टू वॉर्ड ऑफ एविल वगैरह उसका कुछ लेना देना नहीं है सील्स वे आर यूज ऑन अ कार्टन एंड कार्टन में अगर आप यूज करोगे बॉक्सेस में यूज करोगे इसका मतलब है सर्टन ट्रेडिंग फैमिलीज मस्ट हैव देयर और हर एक ट्रेडिंग फैमिली का अपना एक अलग सील हुआ करता था जो वो ट्रेडिंग के टाइम पे यूज करते थे तो ये जो सील जो है ओके इट वॉज यूज ऑफ टी टाइट और एजेट ये जो है वो टाइप ऑफ स्टोन है तो ये स्टोन यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर एंड ये स्टोन के ऊपर कुछ काव करके ये अपना सील बनाते थे ओके दिस पर्टिकुलर सील माइट बी स्क्वेर और ऑबलोंग एंड आफ्टर इट हैड अ फिगर एंड इट हैड अ स्क्रिप्ट तो ये जो हरप्पन की जो स्क्रिप्ट हमें जो मिली है जो हम बार बार बोल रहे हैं वही हरप्पा ने कुछ लिख के रखा था तो हरप्पा ने अपने बारे में कहाँ पे लिख के रखा था तो यहाँ पे लिख के रखा था ओके तो हरप्पा के जो सीन्स है उसी के ऊपर हमें हरप्पा की स्क्रिप्ट मिली है ओके तो सील में यू कैन क्लियरली सी दैट सर्टन एनिमल फिगराइंस आर देयर ओके और ये एनिमल ऑफ अ मस्ट है और हर एक सील के ऊपर वो एनिमल सिंबल के अलावा कुछ और चीज थी

देयर आफ्टर ये जो सील है ऑब्वियसली कहाँ पे मिले हम लोगों को ट्रेडिंग में मिले तो इंटरनल ट्रेड वॉज देयर तो जैसे कि हम लोगों को एविडेंस ऑफ द बुलेक्ट जो मिला है गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर देअर आफ्टर वेट्स एंड मेजर ऑफ द स्टीटाइट एजेट एंड लाइम स्टोन है हम लोगों को वेट्स एंड मेजर भी मिले है जैसे हम लोगों का अभी का वेट होता है किलोज में या फिर मेजर्स होते हैं जैसे लीटर है डजन है तो वैसे इनके पास भी कुछ ना कुछ तो था एग्जैक्टली exactly इनके वेट्स एंड मेजर कैसे चलते थे ये हम लोगों को एज सच पता नहीं है वॉट वी नो इज दैट देर वेट्स एंड मेजर ऑलवेज वर्क इन बाइनरी ओके बट इसके बारे में इलेबोरेटली इन डिटेल जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है फ्रॉम द जी एस पर्सपेक्टिव एज फार एज ऑप्शनल पर्सपेक्टिव डिबेट इज देयर जो हम लोग देखेंगे बाद में ऑप्शनल के लेक्चर्स में गॉट इट तो ये जो वेट्स एंड मेजर्स थे इट अगेन सजेस्ट ऑफ एस्पेक्ट कि वेट्स एंड मेजर्स है मतलब कुछ ना कुछ तो नो uh, ट्रेडिंग no, चलती थी कुछ लिया जा रहा था कुछ दिया जा रहा था एंड मोस्ट प्रोबेबली वी हैव कंक्लूडेड दैट दिस पर्टिकुलर सिस्टम वॉज बार्टर सिस्टम ऑनली बिकॉज हम लोगों को करेंसी एज सच नहीं मिली हम लोग को हरप्पा में ना कोई कॉइन मिला है ना कोई पेपर करेंसी मिली है ना ही हम लोगों को डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मिले हैं एंड हैव कंक्लूडेड दैट डिज बार्टर सिस्टम मस्ट है आपको राइस दूंगा बदले में आप मुझे बार्ली दोगे ओके ये होगी बार्टर सिस्टम तो आप एक चीज के बदला दूसरी चीज जब आप दोगे तो उसको आप बोलोगे बार्टर सिस्टम ये बार्टर सिस्टम कब चलती थी जब आपके कंट्री में करेंसी नहीं थी जब करेंसी आई देन यू कैन बाय एनीथिंग बाई यूजिंग दिस करेंसी बट अगर करेंसी नहीं है तो आप क्या यूज करोगे देन ऑब्वियसली आपको एक चीज की जगह दूसरी चीज देनी पड़ेगी जिसको आप बोलोगे बार्टर सिस्टम सो वेट्स एंड मेजरसर आफ्टर दिस पर्टिकुलर सीज ओके एंड आफ्टर वेरियस बुल्क कार्ड फिगर कैरिंग सर्टन गुड्स ओके इट क्लियरली दैट बार्टर सिस्टम मस्ट है ट्रेडिंग एक्टिविटी इन दरपन सिविलाइजेशन ओके एंड अल्टीमेटली इन इंटरनल ट्रेड जो सबसे बड़ा आइटम था ऑफ ट्रेडिंग का दैट वॉज बीड ओके वी हैव फाउंड दिस बीड्स ऑन अ लॉट्स ऑफ ओकेजन एक्रॉस दरप्पन टाउन इट मस्ट okay? के इस टाइम पर अगर आप पूछो ओके okay? पूरी की पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो गई तो अगर पूरी की पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो गई तो सबसे ज्यादा क्या मिलेगा इस सिविलाइजेशन में राइट फिंगर रिंग दर आफ्टर लॉकेट ये दो जो है वो नॉन पेरिशेबल कमोडिटी है तो आपके बॉडी पेरिश हो जाएगी आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी पेरिश हो जाएगा बट ये मेटल पेरिश नहीं होगा वॉट इट और ये मेटल सिग्निफाइज दैट कि भाई अगर हर एक बंदा फिंगर रिंग पहन रहा है हर एक बंदा लॉकेट पहन रहा है तो मतलब इसका ट्रेडिंग वो पर्टिकुलर एरिया में सबसे ज्यादा होता होगा एंड यू कैन क्लियरली सी इन इंडिया ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रेशियस कमोडिटी इज द गोल्ड ये एक ऐसी कमोडिटी है जो हर एक को चाहिए एंड दैट्स वाई इसी कमोडिटी का सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है तो वैसे ही उस टाइम पे हम लोगों को सबसे ज्यादा कुछ मिला है तो बीड़ मिला है ये बीड़ होता क्या है बीड़ कुछ नहीं होता है एक प्रेशियस स्टोन आप पकड़ो प्रेशियस स्टोन के बीच में आप एक होल लगा लो और उसका एक माला बनाओ तो वो बन जाता है बीड़ जैसे मोती होता है मोती के बीच में आपने एक ड्रिल कर लिया उसकी एक माला बना ली राइट तो ये बन जाती है मोतियों की बीड ओके सो बीड ऑफ पर्ल्स उसको आप बोलोगे तो ये जो बीड़ है ये वही चीज है ओके आपने एक गोल को आइटम मिला उसमें बीच में आपने एक होल किया और उसको ंग में डाल के उसके एक माला बना ली ठीक है तो ऐसे बीड्स हम लोगों को मिले बट ऑब्वियसली दो पीपल वे आर नॉट अवेयर ऑफ द प्रेशियस कमोडिटीज और प्रेशियस मेटल्स ऑफ टूडे तो हम लोगों को जो मैग्जिम बीड मिली है वो किसकी मिली है प्रेशियस स्टोन की मिली है तो कौन से कौन से प्रेशियस स्टोन है जैसे स्टीटाइट एंड एजेड प्रेशियस स्टोन अपार्ट फ्रॉम दैट लेपिस इज अनदर टाइप ऑफ द प्रेस स्टोन जिसका भी हम लोगों को बीड मिला है एंड ऑन सर्टन ओकेजन हम लोगों को गोल्ड एंड सिल्वर के बीड भी मिले हैं गॉटेट सो इट शोज दैट की बीड वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट आइटम विच वॉज ट्रेडेड इंटरनली ओके एंड वी हैव फाउंड द एविडेंसेज ऑफ द बीड फैक्ट्रीज इन चांदो दारो जिसके बारे में अभी बात की थी एंडर आफ्टर लोथल ऑल्सो ओके तो इंटरनल ट्रेड है वो बार्टर सिस्टम पे चलता था बुलक कार्ड के हिसाब से चलता था एंडर आफ्टर बीड वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट कमोडिटी एंड सील्स वेर देयर ऑन द दर्टन विच दैट इलेबोरेट इंटरनल ट्रेडिंग नेटवर्क वॉज देयर बट अपार्ट फ्रॉम दैट नॉट ओनली इंटरनल ट्रेड बट द दिन ट्रेड वॉज ऑल्सो देयर एज फार एज हरप्पन सिविलाइजेशन इज कंसर्न तो ये फॉरन ट्रेड के बारे में हम लोगों को कहा से पता चलता है ओके तो सर्टन आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी एविडेंसेस आर देयर फॉर दिस पर्पज ऑल्सो तो एक एक करके देखेंगे सबसे पहले तो एक सरगॉन ऑफ अक्कड़ है ओके ऑफ अक्कड़ अक्कड़ इज बेसिकली द रूलिंग डायनेस्टी दैट यूज टू रूल ओवर मेजोपोटामिया ठीक है जो मेसोपोटामिया है वो मॉडर्न डे इराक में आता है ओके यूफ्रेटिस एंड टिग्रिस ये दो इंपॉर्टेंट रिवर है जैसे इंडस गंगा इंडिया की इंपॉर्टेंट रिवर है वैसे यूफ्रेटिस एंड आर द टिग्रिस रिवर ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री दैट इज इराक तो ये जो यूफ्रेटिस एंड टिग्रिस रिवर के बीच में सिर्फ इराक नहीं इराक के अलावा सीरिया एंड सराउंडिंग एरियाज भी आते हैं तो दिस पर्टिकुलर एरिया वॉज बेसिकली मेजोपोटामियन सिविलाइजेशन काफी बड़ा सिविलाइजेशन था एंशियंट टाइम में मेजोपोटामियन सिविलाइजेशन इजिप्त सिविलाइजेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो ये जो मोजोपोटामियन सिविलाइजेशन की जो रूलिंग डायनेस्टी है दैट वॉज अक्कड़ एंड अक्ड का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर वो सरगॉन तो जैसे हमारे इसमें अशोका को कंसिडर किया जाता है ग्रेटेस्ट एनशियन रूलर वैसे रूलर वो सरगॉन तो इन द रिक्ड ऑफ द सरगोन वी है ये तीन रीजन की शिप्स उसके एम्पायर से पास होती थी

वैसे इस पर्टिकुलर एरिया को हरप्पन सिविलाइजेशन क्यों बोला जाता है बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट साइट साइड डिस्कवर्ड एक्रॉस सिविलाइजेशन बट एक्चुअल में इन लोगों का नाम क्या था सो नाव वी हैव कंक्लूडेड फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ द कि भाई ये लोग खुद को मेलुहा बुलाते थे सो दिस मेलुहा इज द एक्चुअल नेम ऑफ द सिविलाइजेशन इज समथिंग दैट वी हैव कंक्लूडेड फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ अदर सिविलाइजेशन राइट अब थोड़ा सा याद करना मैंने आपको बताया था प्रोटो हिस्ट्री प्रोटो हिस्ट्री का क्या मतलब हुआ इन लोगों ने इनके बारे में लिख के रखा है इनकी स्क्रिप्ट अभी देखी थी हमने बट ये हमें पढ़नी नहीं आती ओके okay? तो so, इनके बारे में हमको कहाँ से पता चला तो so, इनके बारे में हम लोगों को पता चला मेजोपोटामियन सिविलाईजेशन से एंड मेजोपोटामियन हैर्टिकुलर पीपल यूज टू कॉल सेल्फ एज मेलुहन पीपल अपार्ट फ्रॉम दैट हरप्पा के जो सीन्स से हम लोगों को मिले हैं मेजोपोटिया में एक ऊर नाम का काफी फेमस टाउन है जैसे हरप्पन सिविलाइजेशन के फेमस टाउन को अगर मैं पूछूंगा तो आपको दिमाग में आ जाएगा कि हरप्पा मोहनजोदारो राखी गरी ढोला ढोलावीरा वर्ल्डेयर तो वैसे मेजोपोटियामिया का एक बड़ा टाउन है दैट इज ऊर तो ऊर में हम लोगों को क्या मिले हरप्पन सीन्स मिले है विच क्लियरली शोज दैट कि भाई हरप्पन का जो माल है वो मेजोपोटामिया में जाता था ओके ऑन दी ऑर्डर हैंड

तो हरप्पा इन लोगों को भेजा करते थे कॉटन अब कॉटन के एविडेंसेस तो है नहीं बट अपार्ट फ्रॉम दैट टेराकोट्टा टेराकोट्टा मतलब जो आपका मटका बनता है घर में पानी का जो मटका होता है वो टेराकोट्टा का बना रहता है तो टेराकोट्टा के सर्टन टॉयज टॉयजेराकोट्टा के बीड्स दर आफ्टर टेराकोटा के सर्टन अदर पॉट्रीज ओके ये हरप्पन दैट इज मेलुअन पीपल भेजा करते थे मेजोपोटामिया में और वो मेजोपोटामिया हमको मिले हैं बट इन रिटर्न मेजोपोटामिया से क्या आता था ड्राई पीग ओके

के साथ एक इलेबोरेट ट्रेड लिंकेजेस था और ये चलता कैसा था तो इंडिया में भी हम लोगों को इसके ऊपर बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं तो नाव वी हैव कंक्लूडेड सुन्डर एंड सुद काउटलेट ओके ये देखेंगे थोड़े ठीक है कि इसका मतलब क्या हुआ ये आउटलेट का मतलब क्या होता है ठीक है तो हरप्पन सिविलाइजेशन में अगर आपने देखा ठीक है तो कुछ कुछ जो साइट है वो काफी दूर तक है जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे सुद्का जेंडर एंड सु कोह के बाद ओके ये पर्टिकुलर एरिया में हम लोगों को कोई साइट नहीं मिली है गॉट इट तो बालाकोट से लेके जेंडर सुद्का कोहा इसके बीच में हम लोगों को हरप्पा में कोई साइट नहीं मिली है तो नाउ वी हैव हाँ कंक्लूडेड कि एक्चुअल में ये जो लोथल जो है ओके ये लोथल देयर आफ्टर दिस दिसकुंटासी ओके देयर आफ्टर इवन बालाकोट ये जो थे वो थे एक्चुअल सी पोर्ट ओके सीपोर्ट है ये से यहाँ पे पहले माल लाया जाता था एंड फिर ये यहाँ से ओके, में भेजा जाता तो सुटका को हम लोग आउटलेट कंसिडर करते हैं जस्ट फॉर द ट्रेडिंग पर्पज तो इंडिया से जो भी समुन्दर में माल ट्रेड होना है वो इंडिया के कोई भी साइड से पहले सुटका जेंडर सुटका को हमें आएगा एंड फिर यहाँ से एक तो पर्शियन गल्फ या फिर रेड सी में भेजा जाएगा सिमिलरली अगर आप नॉर्थन साइड में देखोगे तो एक मुंडीगाक नाम की साइट है मुंडीगाक से लेके एक्चुअल साइट के बीच में अगेन अप्रोक्सिमेटली फाइव हंड्रेड टू सिक्स किलोमीटर का डिस्टेंस है जिसमें और कोई भी हरप्पन साइट नहीं है एंड डेट इज वी है मुंडीगाक है ये मुंडीगा सिविलाइजेशन में क्या काम करती थी आउटलेट का काम करती थी तो सेंट्रल एशिया एंड अफगानिस्तान से जितना भी ट्रेड होता था वो सारा का सारा मुंडीगाक से ही पास होता था तो इंडिया से अगर कोई आइटम सेंट्रल एशिया में जाना है वो पहले मुंडीगाक में आता था मुंडीगाक से ऊपर सेंट्रल एशिया में भेजा जाता था वैसे ही सेंट्रल एशिया से जो भी चीजें आती थी वो आती थी पहले मुंडीगाक में एंड फिर मुंडीगाक से आती थी कहां पे तो सिविलाइजेशन में तो दिस सर्टन सी पोर्ट्स वेर देर एंड आफ्टर दिस वेर द आउटलेट एज फार एज इनलैंड फॉरन ट्रेड सॉरी ओवरसीज फॉरन ट्रेड इज कंसर्न एंड आफ्टर दिस वॉज बेसिकली सॉरी उटलेट एस फार एज ओवरलैंड लैंड के ऊपर अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको हेलमन प्रोविंस में वहां से जाना पड़ता था अगर आपको सी के थ्रू अगर ट्रेड करना है तो आपको सुदका जेंडर सुटका को हो के आगे जाना पड़ता था गोटेट सो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर ठीक है हाँ ओके सो रंगपुर देर आफ्टर Balakot, this were the kind of the seaport, whereas Lothal was the artificial dockyard, Sutka gender and Sutka koha. it was considered as outlet, so ample amount of the evidences of trade are there. Mesopotamian people have written about Meluha. Mesopotamian people have evidences of the Meluhan seals Meluhan terracotta pottery, etc etc On the other hand, certain Harappan side that were Sutka gender Sutka koha they acted as an outlet for the ओवरसीज मतलब जो समुन्दर से जो ट्रेड जाती थी, थी उसके लिए एंडर मुंडी का जो है इट एक्टेड एज एन आउटलेट फॉर द इनलैंड दैट इज लैंड के ऊपर का जो फॉरेन ट्रेड जाता था उसके लिए ओके इट मींस क्या हुआ इलेबोरेट फॉरेन ट्रेड नेटवर्क वाज देयर सिंपल एंड इलेबोरेट फॉरेन ट्रेड नेटवर्क अगर होगा तो इंडीजीनियस में हमने देखा था कि भाई बीड एग्रीकल्चरल कमोडिटी ये ट्रेड किया जाता था तो फॉरन के साथ साथ क्या ट्रेड करते थे तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे आइटम्स ऑफ इम्पोर्ट तो हरप्पन पीपल ओके okay, और दे कैरिंग आउट सर्टन इम्पोर्ट तो सबसे पहले तो गोल्ड लिया जाता था कहां से आता था गोल्ड तो मुंडी अफगानिस्तान के थ्रू एंड एंडर आफ्टर पर्शिया के थ्रू पर्शिया के थ्रू मतलब ईरान के पर्शिया इज एन एंशियन नेम ऑफ द ईरान तो पर्शिया अफगानिस्तान से हम लोगों को गोल्ड आता था एंड एंडर आफ्टर के जी एफ ओके दैट इज कोलार गोल्ड फील्ड ये KGF मॉडर्न डे कर्नाटका में है तो यहाँ से भी गोल्ड निकाल के ये हरप्पन्स के पास भेजा जाता था के में भी हम लोगों को बहुत सारे हरप्पन पोट्रीज के एविडेंसेस मिले हैं डर आफ्टर सिल्वर हम लोग लेके आते थे कहाँ से तो अफगानिस्तान पर्शिया से कॉपर लेके आते थे मेलुहन हरप्पन पीपल कहाँ से तो माइन अरेबिया एंड डर आफ्टर टिन लेके आते थे अफगानिस्तान से लेपिस जेड एंड एमिथिस ये जो थे वो प्रेशियस स्टोन्स थे ये सारे के सारे क्या है

लॉकेट बना के रखा है ब्रेसलेट बना के रखा है फिंगर रिंग्स बना के रखी है तो वो सारी की सारी चीजें जब उस टाइम पे बनती थी तो गोल्ड सिल्वर की नहीं बनती थी वो मेजरली बनती थी स्टोन्स की वो स्टोन कौन से हुआ करते थे तो ये वाले स्टोन्स हुआ करते थे एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कॉपर एंड टीन वॉज क्वाइट इंपॉर्टेंट वाई कॉपर एंड टीन वॉज क्वाइट इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑब्वियसली इट वॉज ब्रॉन्स एज राइट ऑबियसली इट वॉज ब्रॉन्ज रिट ब्रॉन्ज के लिए आपको क्या लगेगा कॉपर लगेगा एंड टीन लगेगा तो वो भी ये लोग यहाँ वहां से लेके आते थे एंड गोल्ड एंड सिल्वर ऑब्वियसली वन ऑफ द प्रेशियस कमोडिटीज जो इंडिया में आज के टाइम पे सबसे ज्यादा चलती है उस टाइम पे चलती थी क्या चलती थी बट इतनी नहीं वेरी फ्यू एविडेंसेज ऑफ द दिल्वर है सिविलाइजेशन तो डेट्स वाई वी कंसिडर कि भाई इन लोगों को गोल्ड एंड सिल्वर पता था बट ये लाना काफी डिफिकल्ट था राइट right? जैसे के जी एफ माइन से हरप्पा ओके ऑब्वियसली पूरा एरिया जो है इट वॉज बाय जंगल ओनली तो फिर लाना डिफिकल्ट था ज्यादा क्वान्टिटी में मिलता नहीं था सिमिलरली अफगानिस्तान से लाना है तो आपको सिल्वर काफी डिफिकल्ट ट्रेड करके लेके आना पड़ता था सो दैट्स दिस पर्टिकुलर मेटल वे नॉट यूज टू द एक्सटेंड एज दे आर बींग यूज टूडे बट उस जमाने में ये पता था सिंपल गॉट इट वॉट दे वेर नॉट अवेयर ओके वॉट दे वेर नॉट अवेयर वॉज ऑफ आयरन इनको लोहा नहीं पता था ओके okay? तो okay? मतलब हरपन एज, है, वो वेदिक एज तो ये जो है जो वेदिक एज में आया उसका मतलब आयरन का पहले पता नहीं था तो हरप्पन्सर नॉट अवेयर ऑफ द आयरन बट बाकी के मेटल्स इंपोर्टेंट स्टोन ट्रेड चलता था सो देर अवेयर ऑफ इट एंड आइटम ऑफ एक्सपोर्ट तो ये जब लाते थे तो इसके बदले में क्या देते थे तो ऑब्वियसली पॉटरी कॉटन दर आफ्टर आइवरी वर्क बीड कॉपर टेराकोटा कॉपर दोनों जगह पे आपको मिलेगा बिकॉज ऑब्वियसली कॉपर माइन से ये लोग लेके आते थे महलूहा में मतलब हरप्पन सिविलाइजेशन में फिर यहां से पर्शिया को बेचेंगे अफगानिस्तान को बेचेंगे ठीक है सो so, कॉपर एक्टेड एज अ ट्रांजिट आइटम मतलब ये बाहर से लाया जाता था और बाहर ही बेचा जाता है तो जैसे कि आज के इंडिया में सिल्क इज अ ट्रांजिट आइटम चाइना से हम लोग सिल्क लेके आते हैं और फिर यही सिल्क हम लोग किसको बेचते हैं यूरोपियन कंट्रीज को बेचते हैं गॉट इट तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द फॉरेन ट्रेड ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन कि भाई आइटम ऑफ इंपोर्ट क्या थे आइटम ऑफ एक्सपोर्ट क्या थे अपार्ट फ्रॉम दैट कि भाई फॉरन ट्रेड के डिफरेंट डिफरेंट एविडेंसेस क्या है ओके ऑल दिस डाटा इज क्वाइट इंपॉर्टेंट बिकॉज टूअ द एंड ऑफ द लेक्चर वी आर गोइंग टू सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा और ज्यादा इसके बारे में पता चलेगा फिर हरप्पा का इकोनॉमी हो गया राइट हरप्पा का हम लोगों ने अर्बन सेटलमेंट देखा हरप्पा का हम लोगों ने इकोनॉमी देखा अरबी हर हरप्पा का हम लोग देखेंगे सोसाइटी और कल्चर कैसा था तो सोसाइटी एंड कल्चर इज क्वाइट इम्पोर्टेंट तो एक एक एस्पेक्ट देखेंगे सोसाइटी एंड कल्चर के सबसे पहले तो आर्ट एंड कल्चर ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन ओके तो आर्ट एंड कल्चर इज क्वाइट इंपॉर्टेंट बिकॉज इट गिव्स अस आइडिया अबाउट द कंटेम्प्री सोसाइटी ओके एक एक करके देखेंगे कि क्या आइडिया ये हमें सोसाइटी के बारे में देता है तो so, सबसे पहले इट वॉज अट्रॉन्स मतलब इट इज एन एलाय ऑफ कॉपर एंड टीन इट टोज दैट पीपल ऑफ हरपन अवेयर ऑफ मेटेलॉर्जी मेटेलॉर्जी का मतलब क्या हुआ द साइंस ऑफ मेटल साइंस ऑफ मेटल मतलब कौन सा मेटल कितने प्रोपोर्शन में आप मिक्स करोगे तो कौन सी नई कमोडिटी बनेगी राइट right? जैसे अगर स्टील आपको बनाना है तो स्टील इज नॉट अ नेचुरल एलिमेंट ओके तो स्टील बनाने के लिए आपको आयन एंड सर्टन अदर एलिमेंट मिक्स करने पड़ते हैं वैसे ही ब्रॉन्ज आपको नेचुरली नहीं मिलेगा ब्रॉन्ज आपको कब मिलेगा जब आप कॉपर एंड टिन को सर्टन प्रोपोर्शन में मिक्स करोगे तो आपको ब्रॉन्ज मिलेगा राइट तो दिस पीपल वेर क्वाइट एडवांस्ड इन मेटलर्जी देर आफ्टर दे हैव ऑल्सो मेड रेड सैंडस्टोन मील टॉर्सो ओके तो ये है आपका टॉर्सो रफली शोल्डर से लेके कमर तक का जो एरिया है ओके तो ये होता है रेड सैंडस्टोन मेल टॉर्सो ठीक है तो ये भी हम लोगों को मिला है सो इट शोज दैट दिस पीपल वे अवेयर ऑफ द दैंडस्टोन सबसे पहले जो ये पर्टिकुलर एरिया में नहीं मिलता सैंडस्टोन आपको कहाँ पे मिलेगा मध्य प्रदेश बिहार उत्तर प्रदेश ये पर्टिकुलर एरिया में मिलेगा सो so ये सैंडस्टोन का मेल टॉर्सो इज देयर विच अगेन शोज दैट दिस पीपल हैड ट्रेड विद सर्टन पार्ट ऑफ द ईस्टर्न इंडिया एंड सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग दट देर आर्किटेक्चरल स्किल्स वेर क्वाइट मार्वलस इन द कंटेम्प्ररी पीरियड ऑफ टाइम तो जैसे जैसे आप हिस्ट्री में आगे बढ़ोगे तब तो आपको पता चलेगा गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट अमरावती स्कूलप इसके बारे में हमें इलेबोरेटली पता है बट अपार्ट फ्रॉम दैट हरप्पा के टाइम पे भी इलेबोरेट आर्ट ये जो है ओके एविडेंस ऑफ द आर्ट एंड कल्चर वॉज देयर वी कैन क्लियरली सी ओकेरलीट की आर्ट वॉज क्वाइट इन परफेक्शन वे इन दरप्पन सिविलाइजेशन काफी बढ़िया तरीके से इन लोगों को आर्ट आता था तो आर्ट इज नॉट समथिंग ने नहीं सीखा हमको हमको पहले से पता था कैसे पहले से पता था बिकॉज वी हैव गॉट दिस काइंड ऑफ दर आफ्टर बियरडेड मैन इज ऑल्सो देर गॉट एट बियडेड मैन ऑफ मोहेंजो इज क्वाइट फेमस ठीक है ब्यूटिफुल आर्टिफैक्ट ऑफ दी हरप्पन सिविलाइजेशन तो ये बियर्डेड मैन भी हम लोगों को मिला है आफ्टर वी हैव गॉट डांसिंग डांसिंग गर्ल गर्ल अगेन हम लोगों को कहां पे मिली है तो मोहिन्जो दारो में ही मिली है डांसिंग गर्ल के बारे में एक चीज आपको याद रखनी है दैट इट इज इन त्रिभंग मुद्रा ओके <coughs> okay, ये त्रिभंग मुद्रा में है ठीक है तो so त्रिभंग मुद्रा के बारे में एक सिंपल चीज मैं आपको बताऊंगा वही चीज आपको याद रखनी है ठीक है ये जो डांसिंग गर्ल है ये मेटल की बनी है बेसिकली ब्रॉन्स की बनी हुई है ओके okay? और ये कुछ दिखने में इतनी भले ही बड़ी लगी बट ये इतनी सी ही है मेरी एक उंगली के इतनी तो ये इतनी ही छोटी सी ब्रॉन्स गर्ल का इमेज है विच अगेन शोज दैट ब्यूटिफुल आर्ट एंड आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन तो ये जो त्रिभंग मुद्रा है इट इज नथिंग बट थ्री भंग मीन थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ द मोड्स तो एक गर्दन की तरफ मुड़ा है एक एंकल की तरफ मुड़ा है एक वेस्ट की तरफ और एक लेग की तरफ तो बेसिकली ये जो पर्टिकुलर पीरियड को एक पकड़ो ये दूसरा पकड़ो और ये तीसरा पकड़ो मीन थ्री बैंड आर देयर इन द बॉडी एक लेग की तरफ है एक कमर की तरफ है और एक एंकल से लेके नेक की तरफ है इसको आप बोलोगे त्रिभंग मुद्रा जब मैं लेटर ऑन आर्ट एंड कल्चर के अलग लेक्चर लूंगा तो इसके बारे में इन डिटेल बताऊंगा दिस त्रिभंग मुद्रा इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द डांस इन नवर कंट्री बॉज दिस पर्टिक्युलर डांसिंग गर्ल में ये मुद्रा शो की गई है ओके okay? तो ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ द डांसिंग मोड्स आर देयर उसमें से एक है हम लोग को हरप्पा में मिली है तो अभी के लिए उतना ही याद रखना नॉट मोर देन दैट थ्री बेंड्स इन द बॉडी एक एंकल नेक की तरफ है दूसरा कमर की तरफ है और तीसरा लेग में है ओके दर आफ्टर वी है एज आई है तो जैसे आज के टाइम पे डॉल्स यूज करते हैं हम लोग तो वैसे उस टाइम पे भी ये टेराकोटा फिगरिन एज अ टॉय यूज की गई होगी तो टेराकोटा फिगरिन ऑफ वेरियस एनिमल्स टेराकोटा फिगरिन ऑफ द बुलक कार्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा है डाइस गेम वॉज ऑल्सो देयर नाउ दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट क्लियरली शोज और क्लियरली टेल्स द सर्टन एस्पेक्ट अबाउट द सोसाइटी कुछ कुछ एस्पेक्ट हमने देख लिया कि इनकी मेटोलॉजी काफी अच्छी थी Art and culture bikafi developed. Tha. But apart from that, what we can also get to know is that that dancing and thereafter gambling, it means that certain form of the entertainment was developed in the society. Okay? So a certain form of the entertainment jo hai wo society might develop. People used to have certain time pass. A time pass ajinita, time pass tabhi bhi tha. it clearly shows that people had lots of time to carry out certain

और ये प्लेटफॉर्म के बीच में ये बियरलेड मैन रखा है नाउ व्हाट हैपन फ्रॉम फोर्टीज फिफ्टीज सिक्सटीज एंड सेवन इज दैट इट वाज कंसीडर्ड कि भाई हरप्पा में कोई टेंपल नहीं है बट राइट नाउ इट इज एस्टेब्लिश फैक्ट दैट मोहेंजो दारो इज कंसिडर्ड एज अ टेम्पल टाउन ऑफ दी हरप्पा वो टेम्पल टाउन क्यों कंसिडर होता है वो थोड़े टाइम बाद देखेंगे बट अभी के लिए इतना ही याद रखना कि मोहेंजो दारो में टेम्पल फाइंड हुआ है क्या देन मॉडर्न सजेस्ट एविडेंसेस्ट टेम्पल बट अगेन प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम है

Town. However, it is not found in any other Harappan towns, and that's why by and large it is considered that Harappans were not aware of the temple structure. Okay. So this particular aspect clearly shows or gives us certain evidences of the society. Society was highly developed in ko metallurgy pata thi. Society was again highly developed because in pas entertainment ke mode and society was again highly developed because they were.

तो गैम्बलिंग जो है उसका एविडेंसेस एंशियंट टाइम से हम लोगों को मिले है तो हरप्पा में हम लोगों को गैम्बलिंग के लिए डाइस मिले हैं आफ्टर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द वैदिक एज तो दिग्वेदा में तो इन्होंने क्लियरली क्रिटिसाइज ही किया है कि गैम्बलिंग करना नहीं चाहिए आपको एंड डर आफ्टर महाभारत में तो पता ही आपको कि युधिष्ठिर तो सारा कुछ गैम्बलिंग में हार गया था राइट तो बेसिकली ऑल दिस एविडेंसेस गिव्स अस आइडिया अबाउट द सोसाइटी ऑफ द हरप्पन पीपल

टू हॉर्न डेटीड बाई डिफरेंट काइंड ऑफ दी कॉल इट एज अशुपति एंड पशुपतिज ऑफ द शिवा इन अवर कंट्री दिस पर्टिक्यूलर टील गिवज अस इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट एनिमल तो यू कैन क्लियरली सी ओअर हियर हमें एक टाइगर का एविडेंस मिला है हमें एक एलिफेंट का भी एविडेंस मिला है राइट right?

हम लोगों को यही एनिमल बार बार मिलते हैं ओके अपार्ट फ्रॉम दिस एनिमल हॉर्न ओके जिसको यूनिकॉर्न भी बोला जाता है इट इज एन एंशियंट मिथिकल एनिमल यूनिकॉर्न के इमेजेस भी हरपन सिविलाइजेशन में हम लोगों को मिले हैं दिस पीपल वे आर अवेयर ऑफ दिस एनिमल

फर्टिलिटी कल्ट फर्टिलिटी कल्ट कल्टीस भाई कोई भी इंसान के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि उसका बच्चा हो जाए अगर बच्चा नहीं हुआ तो आपको कोई ना कोई तो भगवान को जाके उसकी प्रार्थना करनी है तो आप किसकी प्रार्थना करोगे इन इंडिया फ्रॉम एंशियंट टाइम इट अ गॉड ऑफ फर्टिलिटी मतलब आप शिवा के फैलस का वर्शिप करो शिवलिंग का वर्शिप करो आपको बच्चा हो जाएगा राइट तो वैसे ही दिस पर्टिकुलर एविडेंसिस ऑफ द फेलिलाईशन सजेस्ट ऑफ द फर्टिलिटी कल्ट हरपन दर आफ्टर दिस पीपल ऑल्सो यूज टू कैरी आउट नेचर वर्कशिप ओके एक हम लोगों को एक सील मिला है नॉट सील इट्स बेसिकली फिगराइन जो है इसको आप बोलोगे मदर गॉडेस दिस इज द फिगराइन ऑफ मदर गॉडेस ठीक है तो मदर गॉडेस का फिगर आइन मतलब इसको धरती माता कंसिडर करके इसको बेसिकली पूजा जाता था ओके बट अगेन यू कैन क्लियरली सी दैट लॉट्स ऑफ ऑर्नामेंट्स आर देयर दैट इज देयर ओके सो ऑर्नामेंट्स वॉज क्वाइट कॉमन एलिमेंट अक्रॉस द सिविलाइजेशन तो आज भी अगर आप कोई अपने गॉडेस की अगर मूर्ति देखोगे या फिर गॉडेस का फोटो देखोगे देन इट इज बेसिकली एडॉन विथ लॉट्स ऑफ गोल्ड एलिमेंट और गोल्ड आइटम तो वैसे ही ये भी जो है मदर गॉडेस इसके ऊपर भी बहुत सारे आपको गहने दिखेंगे बट इट ऑल्सो शोज दैट बेसिकली नेचर वर्शिप और मदर worship वर्शिप वॉज देयर ओके ऑब्वियसली पीपल वेर ऑफ द नेचर बारिश गिर गई पता नहीं क्यों गिर गई तो फिर बारिश गिर गई तो फिर भगवान की पूजा करो तो बारिश इट से ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप कहीं पे बड़ी आग लग गई तो अब आग बुझानी कैसे पता नहीं है तो भाई फायर देवता दैट इज अग्नि देवता नाराज हो गए हो गए तो फायर की ही वर्शिप करो तो दिज आर द काइंड ऑफ द एलिमेंट

तो आप एक बेसिकली स्क्वायर शेप का एक एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसी में वो हवन होता है तो ये बेसिकली होता है फायर अल्टार दिस फायर हैव बीन डिस्कवर्ड एट टू दैट इज लोथल एंड कालीबंगन एंड व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज दैट अपार्ट फ्रॉम फायर अल्टार ये फायर अल्टार के जो नीचे है ओके okay, अगर हमने और नीचे अगर जब एक्सकर्वेशन किया तब हमें डिफरेंट काइंड ऑफ द एनिमल बोन्स मिले हैं ओके okay? जैसे कि शिप के गोट के कैमल्स के एनिमल बोन्स हम लोगों को मिले हैं तो फायर अल्ट आर ऑल्सो सजेस्ट दैट सैक्रीफिशियल रिलीजन वॉज ऑल्सो डेयर ओके एंड ऑल दिस एलिमेंट हैव है सर्टन एस्पेक्ट जिसके बारे में भी थोड़े टाइम में बात करेंगे बिकॉज और कुछ फैक्चुअल डाटा है इसमें बट दिस इज समथिंग दैट गिवज अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेम्परि हरपन रिलीजन अपार्ट फ्रॉम दैट सर्टन बरियल प्रैक्टिस ऑब्वियसली अर्बन सिविलाइजेशन है तो इंसान का जन्म होने के बाद उसको मरना भी है और मरने के बाद भाई उसको दफन कैसे किया जाता है और हाउ हिज बॉडी केयर ऑफ तो उसके ऊपर भी हम लोगों को बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं तो थ्री काइंड ऑफ द बरियल प्रैक्टिस तो सबसे पहले है अ कंप्लीट बरियल ओके कंप्लीट बरियल मतलब बंदे को पूरा का पूरा जिंदा दफन कर दो ओके okay? देर आफ्टर सेन इज बरियल आफ्टर द एक्सपोजर ऑफ बॉडी टू द बर्ड एंड बीस्ट मतलब बॉडी को सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के लिए ओपन रखा जाता था तो गीड यू नो गीधर देर आफ्टर सर्टन काइंड ऑफ दल यूज टू फीड अपॉन दैट बॉडी एंड फिर बची हुई बॉडी जो है उसको बरी किया जाएगा ये आज भी आपको मिलेगा बहुत जगह पे और एग्जाम्पल्टियन पारसी रिलीजन जो है उसमें आज भी ये मेथड फॉलो होता है ओके okay, तो so जहां जहां पे आपको पारसी कम्युनिटी मिलेगी तो इनके जो क्रीमेटोरियम स्मशान भूमि होती है वो अलग होती है ओके okay? तो जहां पे ये बॉडी ओपन रखते हैं फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम कि कोई बर्ड आके या फिर कोई एनिमल आके उसको खा ले एंडर आफ्टर फिर बचा हुआ जो बॉडी है उसको दफन कर दे तो दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिस वॉज ऑल्सो देयर इन दी हरप्पन सिविलाइजेशन राइट एंडर आफ्टर फिर लास्ट वन जो है दैट इज क्रीमेशन फॉलोड बाय बरियल ऑफ एशेस तो क्रीमेशन फॉलोड बाय बरियल ऑफ एशेस का मतलब है पहले आप बॉडी को जलाओ और बॉडी जलाने के बाद जो अस्थि बचेगी उसको आप बरी कर दो आज के टाइम पे हिंदू रिलीजन में ये प्रैक्टिस फॉलो होती है बट हम बरी नहीं करते हम क्या करते हैं जलाने के बाद जो अस्थि है उसका रिवर में विसर्जन कर देते हैं राइट दिस थ्री काइंड ऑफ द बरियल प्रैक्टिस अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव ऑल्सो डिस्कवर्ड कॉफिन बरियल एट हरप्पा एंड दिस इज बेसिकली एविडेंस ऑफ द कॉफिन बरियल यू कैन क्लियरली सी कि ये जो कॉफिन है ओके okay, इसका कुछ कुछ

कल्ट के फॉलोवर थे कुछ नेचुरल कल्ट के फॉलोवर थे कुछ कुछ लोग जो थे उनकी बरियल प्रैक्टिस शोज दैट हरप्पन पीपल है हरपन रिलीजन जो है उसको आप क्या बोलोगे कॉस्मोपोलिटन रिलीजन इट वॉज कॉस्मोपोलिटन Religion. Why it was cosmopolitan religion? Because people of different faith live together harmoniously. Got it? And since people of different faith are living together harmoniously, you will call it as an urban culture also. This is one of the most important factor of the urbanization. If you an urban society, then people of different faith have to come together and live together. That particular evidence was there in the Harappa also. बट ओवरऑल वी कैन क्लियरली सी दैट रिलीजियस लाइफ ऑफ द Harappa appears टू बी secular एंड मटेरियलिस्टिक Why इट was अपीयर टू बी secular एंड मटेरियलिस्टिक बिकॉज obviously, आप नेचर का प्रैक्टिस या फिर नेचर वर्शिप कब करोगे जब आपको बारिश की भाई कुछ ना कुछ तो खेत में बढ़े बारिश हो जाए वैसे ही आप सेक्रीफाइजेस कर रहे हो तो आप बलि कब चढ़ाओगे जब आप भगवान से कुछ ना कुछ तो मांग रहे हो एंड दैट इज व्हाट कॉल्ड एज मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल

एंड हरपन लाइफ वॉज ऑल्सो सेक्यूलर बिकॉज पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ यूज टू लिव टूगेदर सो दैटिडर दैट हरप्पन एंड हरपनो फॉलोइंग सर्टन मटेरियलिस्टिक लाइफ स्टाइल देर आफ्टर फिर हरप्पन पॉलिटियन हरप्पन स्क्रिप्ट वॉट अबाउट हरपन पॉलिटियन हरपन स्क्रिप्ट नाउ हरप्पन पॉलिटी जो है उसके बारे में हम लोगों को ऐसा पता नहीं है वाई वी आर नॉट अवेयर ऑफ द हरप्पन पॉलिटी बिकॉज दिस पीपल है Which we have not deciphered. मतलब हम लोग को वो अभी तक पढ़ना नहीं आता एंड ऑन दी ऑर्डर पॉलिटी के बारे में फॉरन सिविलाईजेशन ने कोई लिखा नहीं है सिविलाइजेशन ग्रीड पैटर्न सेम होना सिविलाईजेशन ड्रेनेज सिस्टम सेम होनाइजेशन प्लस एक्रोपोलिस दैट इज अपर टाउन एंड लोअर टाउन एक्रॉस दिविलाइजेशन

एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ओके एक काफी इंपॉर्टेंट एविडेंसेस है एंड दैट पर्टिकुलर एविडेंस इज ऑफ द हरप्पन साइन बोर्ड ठीक है हरप्पन साइन बोर्ड मतलब जैसे आप अभी रास्ते पे जाते हो तो रास्ते में जाने के टाइम पे आपको बहुत सारे साइन बोर्ड मिलते हैं कि भाई दिल्ली से अगर आपको मुंबई जाना है तो रास्ते पे आपको मिलेगा कि मुंबई 1400 किलोमीटर मुंबई के लिए ये रास्ता राइट तो ये जो साइन बोर्ड थे वो साइन बोर्ड का भी एक एविडेंस हम लोगों को मिला है एंड वी हैव फाउंड दिस पर्टिकुलर एविडेंस एट ढोला ओके ये हम लोगों को कहा मिला है तो धोलावीरा में मिला है सिंपल ये एक्चुअल इमेज है ओके एंड फ्रॉम दिस एक्चुअल इमेज वी हैव डिस्कवर्ड दिस पर्टिकुलर पिक्चर्स एंड हरप्पन स्क्रिप्ट जो है ये ऐसी ही है ओके सो इट इज बेसिकली अनडिसाइफर्ड मतलब इसको अभी तक हमें पढ़ना नहीं आता बट इट इज अ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट एंड इट इज ऑल्सो बॉस्ट्रोफेडॉन स्क्रिप्ट बॉस्ट्रोफेडॉन स्क्रिप्ट मतलब ये लोग पहले लाइन में लेफ्ट टू राइट लिखते थे दूसरे लाइन में राइट टू लेफ्ट लिखेंगे लाइन में वापस से लेफ्ट टू राइट लाइन में राइट टू तो लेफ्ट ऐसे अभी के लिए आप कैसे लिखते हो? ओके okay, देवनागरी स्क्रिप्ट जो वो यहां से चालू होती, यहां पे होती, यही से चालू होती यहां पे खत्म है, होगी वही से नीचे से चालू करके ऐसे इट सो दिस इज समथिंग दैट इज स्क्रिप्ट दैट मस्ट बी देयर इन बॉस्ट्रोफेडॉन

कंक्लूडेड की सर्टन सॉर्ट ऑफ दॉलिटिकल सिस्टम मस्ट है इसके एम्पल एविडेंसेस हम लोगों को मिले हैं बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव नॉट अन द स्क्रिप्ट ऑफ द हरप्पन सिविलाईजेशन एज ऑफ नाउ ओके हमने इनका अभी तक स्क्रिप्ट जो है वो डिसाइफर नहीं किया अब ये पिक्चर को देख के आपको भी पता चला इससे क्या ही डिसाइफर करेगा बंदा इसमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि एक्जैक्टली exactly ये लोग कहना क्या चाह रहे हैं राइट सिंपल फ्टर फिर इम्पोर्टेंट हरप्पन सिटीज ओके हरपन की कुछ इम्पोर्टेंट सिटीज है जिसमें कुछ कुछ चीजें हम लोगों को मिली है तो अब देखेंगे एक एक करके तो सबसे पहले ओके okay, हरप्पा एक्सैल तो हरप्पा में हम लोगों को क्या मिला है सिक्स ग्रेनरीज मिली है ओके okay? ग्रेनरीज का जो टोटल एरिया है इज इक्वल टू वन ग्रेट ग्रैनरी ऑफ द मोहिंजो मतलब जो मोहेंजो में एक ही बड़ी ग्रेनरी है ओके okay? उतना ही एरिया में हरप्पा के टाउन में छह ग्रीज बनाई गई है छह ग्रेनरीज ग्रैनरीज का मतलब होता है फोटो देखा था रेड सैन स्टोन टोर्फ जिसका भी हमने फोटो देखा था एंड दर आफ्टर स्टोन सिंबल ऑफ मेल एंड फीमेल जेनेटल अबाउट विच वीव ऑलरेडी डिस्कस का सिग्निफिकेंस क्या है

However, this is the only town whereby temple-like structure can be discovered. जैसे कि मैंने आपको बताया था bearded man कहाँ पर है तो platform है Platform के बीच में इसको रखा था and there were staircases on this platform, which shows that he might be a priest or he might be a important deity of that time. But ये सिर्फ एक ही जगह पर यह temple मिला है and that's why we consider कि भाई हरप्पा में usually temple नहीं थे. These people are not aware of the temple. Okay. एंड ऑफ द्रॉन्स डांसिंग गल इन त्रिभंग मुद्रा ये भी हम लोगों ने देखा है रोपर ओके क्वाइट इंपॉर्टेंट टाउन फ्रॉम द इंडियन परस्पेक्टिव रोपड़ आता है इंडिया में हरप्पा एंड मोहेंजो दो दोनों भी पाकिस्तान में है एज ऑफ नाउ रोपड़ आता है इंडिया में तो रोपड में हम लोगों को क्या मिला है स्टोन एंड सॉइल कंस्ट्रक्शन डॉग एंड ह्यूमन बरियल ओके ये जो डॉग एंड ह्यूमन बरियल जो हम लोगों को रोपर में मिला है ओके इट रिजल्स टू दैट ऑफ बुर्जा होम ओके ये होम जो साइट है वो जम्मू और कश्मीर में है ओके okay? एंड ये जो साइट है साइट है, ओके okay? तो so, न्यूलिथिक साइट है ये बुर्जा होम जो जम्मू एंड कश्मीर में हमें मिली है एंड इन दिस पर्टिकुलर साइट ऑल्सो वी अ डॉग एंड मैन बर टुगेदर तो सर्टन सॉर्ट ऑफ द इंटरलिंकेजेस कैन बी देयर विथ क्लियरली शूज दैट ये जो बरियल प्रैक्टिसेस है ये हरप्पन के डेवलप हुई नहीं है ये पैलियोलिथिक मेजोलिथिक न्योलिथिक चालकोलिथिक टाइप में डेवलप हुई है और यही लोग ये हरप्पा के एरिया में रहने गए और अर्बन बन गए बट उनकी जो सर्टन प्रैक्टिस है वो पहले से ही चली आ रही थी ओके तो ये समथिंग दैट इज वी हैव डिस्कवर्ड इन रोपर ठीक है दर आफ्टर एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट इज अ फैक्ट्री टाउन हम लोग को लॉट्स ऑफ फैक्ट्रीज मिली है चानू में राइट तो चानू इज बेसिकली दी टाउन ऑफ द

मॉडर्न डे राजस्थान ओके ऑफ इंडियन साइड हमको यहाँ पे क्या क्या चीजें मिली है देन वी हैव डिस्कवर्ड अ प्लॉक फील्ड आई टोल्ड यू कि भाई जो खेत में हल चला होने के बाद जैसा आपको खेत दिखेगा उसको आप बोलोगे प्लॉक फील्ड देर आफ्टर वुडन पुरो पुरो इज बेसिकली द अर्लियर वर्जन ऑफ यल हल का जो एकदम अर्लीस्ट वर्जन है वो है आपको उसको बोलोगे पुरो बट ये कैसे बना है वुडन का बना है अगर आपको एग्रीकल्चर के बारे में पता होगा देन आपका जो फुरो है दैट इज़ आपका जो हल है वो जितना सॉइल के अंदर जाके सॉइल बाहर निकालेगा उतना आपका जो सॉइल का हेल्थ है वो अच्छा मेंटेन रहेगा तो दिस पीपल वे आर अवेयर दैट सॉइल नीड्स टू बी चोन इसको ऊपर नीचे हमें करना है सो so, इन लोगों ने फुरो डेवलप किया बट वुडन हल है उसका वेट इतना ज़्यादा नहीं होता इसके लिए वो ज़मीन में ज़्यादा जा नहीं पाता इसके लिए लेटर ऑन वी विल सी कि जब वैदिक एज आया और वैदिक एज में आयन आया तो आयरन के वजह से जो आयरन के हल बनने लगे उसके वजह से सॉइल की फर्टिलिटी और ज़्यादा बढ़ गई और उसके वजह से एग्रेरियन प्रोड्यूस बढ़ गया तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द एज टूअर्ड्स द एंड ऑफ एज जब आयरन आया और आयरन के हल बनने लग गए तब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा आ गया एंड उसी के वजह से फिर महाजनपदा इरा आया महाजनपदा ईरा में मगध सबसे सुप्रीम बना एंड मगध की सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी दैट इज़ मौरियन डायनेस्टी गॉट इट तो ये सारे जो इंटरलिंकेजेस है वो आपको पता होने चाहिए

सुट्का जंडर सुत्का को एंड फिर वहाँ से पर्शियन गल्फ एंड रेड सी देर आफ्टर रिमेन्स बिन आफ्टर सिटी इज सिक्स ग्रेड हाउस एंट्री जो है यहाँ पेट डिफरेंट एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट इन हरप्पा में जो हाउस एंट्री एंड विंडोज होती थी वो साइड में होती थी रास्ते को लग के नहीं होती थी बट यहाँ पे वो रास्ते को लग के है इट क्लियरलीट सर्टन वेरिएशन आर दे आर अक्रॉस दिविलाईजेशन ऑल्सो बट ये वेरिएशन बहुत कंफाइंड है

उसमें एविडेंसिस so, नहीं राइटली right? अभी न्यूज में भी था that शिवाजी नेवी बट यू नीड टू अंडरस्टैंड सिंस इट इज ना कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट इसके ऊपर लिखा भी गया है एंड आई टेक लेक्सो मूव फॉरवर्ड दिप बिल्डिंग एज वेल एज शिप इन इंडिया उट्पन्स के पास भी शिप्स थे ओके एंड जब शिप होंगे तो प्रोटेक्शन के लिए कुछ नेवल फोर्स भी होगा एंड ऑल्सो फाउंड शिप ऑन एट लोथल ऑफ द मेल एंड फीमेल इन द सेम ग्रेव ये ट्वीन बरियल है इसका इमेज अभी मैंने आपको थोड़े टाइम पहले दिखाया भी था राइट येपन सिविलाईजेशन फिर अबाउट डिक्लाइन सो अल्टीमेटली वी है कि भाई दिस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन ये डिस्कवर कैसे हुआ देन सिविलाइजेशन में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट क्या थी इकोनॉमी कैसी थी सोसाइटी कैसी थी पॉलिटी कैसी थी राइट एंड आफ्टर सच ए मैसिव हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज देयर इट जस्ट वैनिश फ्रॉम द मैप ऑफ इंडिया कैसे राइट देखा था हमने कि भाई 2200 से लेके 1800 दिस इज रफली द अर्बन फेस ऑफ द दरपन सिविलाइजेशन बट ऐसा क्या हो गया कि 400 साल बाद ये सिविलाइजेशन आउट ऑफ नोवेयर विद इन स्पैन ऑफ 100 टू to 200 टोटल को हो गया एंड फिर ये पर्टिकुलर एरिया वाज डोमिनेटेड लेटर ऑन बाय द आर्यन ऐसा क्या हुआ तो वेरियस हैव बीन गिवन ओके तो सबसे पहली थियरी है कि भाई आर्यन इन्वेजन यहाँ पे हुआ तो आर्यन इन्वेजन के थियरी के बारे में लेटर ऑन बात करेंगे वेन विल गो टू द दैदिक टॉपिक बट यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है कि ये कॉलोनियल हिस्टोरियंस का कहना है ओके कॉलोनियल हिस्टोरियंस मीन दिस हरप्पर सिविलाइजेशन वॉज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश राज और जो ब्रिटिश राज के जो हिस्टोरियन थे दे ऑलवेज वॉन्टेड टू शो इंडिया कि भाई आप नीचे हो हम रेशियली सुपीरियर है तो वन ऑफ द वे टू प्रूव इट कि भाई देखो आपके पास एक एंशियंट सिविलाइजेशन मिली है बट उसका डिक्लाइन हो गया कैसे हुआ आर्य मतलब जो वाइट ब्रीड है वो लोग आए और उन्होंने आपको हरा दिया ओके okay? बट अगर आर्यन इन्वेट कर रहा है सच लार्ज एरिया के ऊपर तो फिर मैसिव लेवल ऑफ वॉरफेयर के एविडेंसेस भी मिलने चाहिए थे जो मिले ही नहीं है राइट एट द मोस्ट ओके मोहनजोदारो में थर्टी सेवन स्केलेटल जो है वो बिखरे हुए पड़े मिले हैं हम लोगों को बट इट दैट माइनर स्कर्मिश माइट हैव हैपेंड इन है थर्टी सेवन स्केलेटन ये नहीं प्रूव करता कि आर्यन ने इन्वेट किया और आपको हरा दिया गॉट एन तो दैटा ये जो आर्यन इन्वेजन की थियरी है ये अभी डिबेटेबल है इसके ऊपर अभी भी डिबेट चल रही है कि भैया ये आर्यन सही में इंडिया में आए थे और आए थे या मतलब आए थे तो हरा के आए कैसे आए तो इसके बारे में मेंुलर थियरी जो है वो इंडियन नेशनलिस्ट हिस्टोरियन है इन्होंने अब रिफ्यूट कर दी है कि भाई ये आर्यन इन्वेजन के वजह से इतना बड़ा सिविलाइजेशन कोई कोलेप्स नहीं हुआ बिकॉज कोई कोरोबोरेटिंग एविडेंस ही नहीं है हम ये मान सकते हैं एट द मोस्ट कि आर्यन यहाँ पे आए बट आर्यस ने इंडिजिनियस मेलूहन दरपन लोगों को हराया ये थोड़ा सा गड़बड़ वाला मामला है एक्सटर्नल ट्रेड ओके अराउंड नाइनटीन हंड्रेड बी सी ऑनवर्ड वी क्लियरली सी दैट मेजोपोटामियन रिकॉर्ड हैबाउट मेलूहा अभी हम लोग को नहीं पता की एक्सैक्टली डिक्लाइन ऑफ ट्रेड हुआ कैसे है बट अगर मेलूहन रिकॉर्ड में से हरप्पा का नाम गायब होने लग गया तो इट क्लियरली शोज दैट कि हरप्पन दैट इज मेलूहन लोगों ने ट्रेड करना मेजोपोटामिया के साथ कम कर दिया एंड एंटायर सिविलाइजेशन वॉज बेस्ड अपॉन ट्रेड ऑनली वी अगर ट्रेड ही डिक्लाइन हो गया तो फिर क्या होगा आप अर्बन एरिया से निकल के रूरल एरिया में जाओगे खेती करोगे पेड़ भी तो पालना है राइट देर आफ्टर फिर फ्लड इंडस रिवर जो है सिंधु रिवर इट इज क्वाइट इन फॉर वन फैक्टर दैट इज ए शिफ्टिंग कोर्स ये हर कुछ सालों बाद अपना कोर्स यहाँ से वहाँ बदलती रहती है एंड दैट्स वाई जो एरिया अभी सेटल्ड है ओके okay, उसमें दस पंद्रह बीस साल बाद फ्लड आ सकता है या फिर एरिया जो अभी ड्राई है वहां पे पानी आ सकता है तो ये जो शिफ्टिंग कोर्स ऑफ इंडस है इट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रॉइंग मोहनजोदारो एज वेल एज हरप्पा वी हैव ऑल्सो डिस्कवर्ड आर्क्योलॉजिकल एविडेंस दैट मोहनजोदारो जोदारो इट सेल्फ वॉज डिस्ट्रॉयड बाई फ्लड्स फॉर अप्रॉक्सिमेटली सेवन टाइम सात बार बड़े थे तो अगर इतने लार्ज लेवल पे अगर आपके सिटी में फ्लड आए तो आप वो सिटी में रहना चाहोगे क्या नहीं रहना चाहोगे राइट तो दैट इज वाई फ्लड इज कंसिडर्ड एज ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन एंड आफ्टर फिर इकोनॉमिक इम्बेलेंस ठीक है so फर्स्ट ऑफ ऑल दिस ऑल द एरिया ऑफ द क्लाइमेट चेंज आइस एज खत्म होना चालू हुआ था गर्मी बढ़ने लग गई थी एंड सेकेंड थिंग बर्जनिंग पॉपुलेशन प्रेशर ऑब्वियसली कोई भी सिविलाइजेशन में अगर आपको सिविलाइजेशन सस्टेन रखनी है तो आपको पॉपुलेशन कंट्रोल करनी पड़ेगी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका कंट्री प्रोड्यूस कर रहा है सिर्फ सौ लोगों के लिए बट आपके कंट्री में हर दिन ओके okay, हजार बच्चे आ रहे हैं तो फिर यार गड़बड़ वाली बात हो जाएगी राइट right?

तो सबसे पहले उसका रिच सेक्शन निकल जाता है उसके बाद में जो टैलेंटेड सेक्शन है वो निकल जाता है और फिर ऑर्डिनरी लोग बचते हैं वो ऑर्डिनरी लोग वो कंट्री को ज्यादा नहीं चला पाते राइट एंड दैट इज मस्ट हैव बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिकल इम्बेलेंस इन दी हरप्पन सिविलाइजेशन ओके अल्टीमेटली नो वन फैक्टर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन एंड यू कैन से दैट इट वॉज क्यूमेटिव इम्पैक्ट

फैक्टर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वॉज देयर सो ये सारे के सारे फैक्टर पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वी है ये भी देखा कि वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन प्री हिस्ट्री प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री अभी हमने चालू किया था प्रोटो हिस्ट्री से इन नेक्स्ट लेक्चर ऑन आई एम गोनाट टेक वेदिकर फिर मगध एंड आफ्टर आई एम ऑल्सो गोनाट टेक गुप्ता तो धीरे धीरे करके उसके ऊपर बढ़ेंगे बट कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे कि भाई सोल्व हो रहे कि नहीं हो रहे अभी हमसे जितना हमने पढ़ा उसके ऊपर एटलीस्ट पी आई की तो सॉल होने चाहिए राइट तो एक एक करके अब डिस्कस करेंगे। तो कौन सा एनिमल सील के ऊपर प्रेजेंट नहीं था एज वेल एज टेराकोटा आर्ट में प्रेजेंट नहीं था तो एक एक करके देखेंगे वी आफ्टर टाइगर ये जो तीन एनिमल थे वो पशुपति सील पे प्रेजेंट है राइट हमने ये भी देखा था कि भाई जो काउ है ओके okay, ओके okay, जो काउ है उसके कुछ टेराकोटा फिगरेन्स हम लोगों को मिले हैं ओके हाउ एवर यूपीएससी में आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है दैट मोस्ट अप्रोप्रियट आंसर हम लोगों को लिखना है यहां पे कौन सा आएगा तो काउ आएगा राइट हार्डली वन और टू एविडेंसेस ऑफ द काउज इन टेराकोटा फिगर एन है हम लोग को ज्यादा बुल मिले हैं काउज हम लोगों को ज्यादा नहीं मिले जैसे बुलक कार्ड के एग्जाम्पल हमने देखे थे एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये तीन तो हमें प्रेजेंटली पशुपति सील पे तो दिखाई ही दिए हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आंसर ओवर हियर विल बी काउ ओके देर आफ्टर फिर नेक्स्ट वन मैच द फॉलोइंग कि भाई कहाँ पे क्या क्या मिला था तो एक एक करके देखेंगे सबसे पहले तो प्लॉक फील्ड हमको प्लॉक फील्ड कहाँ पे मिली थी तो कालीबंगन में मिली थी राइट देर आफ्टर आर्टिफिशियल डॉकयर्ड तो डॉकयर्ड हम लोगों को मिला था लोथल में टेराकोट्टा रेप्लिका ऑफ द प्लॉग टेराकोट्टा रेप्लिका ऑफ द प्लॉग कहाँ पे मिली हम लोगों को अब देखेंगे हम लोगों को नहीं पता तो एन इंस्क्रिप्शन लार्ज साइंस ऑफ द हरप्पन स्क्रिप्ट तो लार्ज साइज साइंस ऑफ द हरप्पन स्क्रिप्ट जो है ओके दैट इज हरप्पन साइन बोर्ड हम लोगों ने देखा था इसका इमेज भी मैंने आपको दिखाया था ये हरप्पन साइड बोर्ड हम लोगों को कहा मिला है तो धोलावीरा में मिला है तो बनावली में हम लोगों को राइस हस्क के एविडेंसेस मिले थे तो राइस हस्क के अलावा हम लोगों को टेराकोटा रेप्लिका ऑफ द प्लॉग भी वहां पे मिल चुका है सो so, तीन एविडेंसेस तो हम लोगों को पता ही थे वैसे भी एक एविडेंस हम लोगों को नहीं पता था एंड दैट इज हाउ वी हैव रिड्यूस्ड आवर आंसर राइट सो अकॉर्डिंगली मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अभी आप देख लेना सिंपल देयर आफ्टर फिर नेक्स्ट वन रिगार्डिंग इंडस्टली सिविलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इट वॉज अ अक्यूलर सिविलाइजेशन एंड रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमनेट दिन सीन प्रिडोमेंटली सैक्यूलर थे कैसे सेक्युलर थे हारमोनियसली हम लोगों को एसट कोई वायलेंस के एविडेंसेस नहीं मिले हैं एंड रिलीजियस लाइफ वॉज प्रिडोमटली सेक्यूलर पहला वाला तो बराबर है एंड आफ्टर ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वॉज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल इन इंडिया

बट ये कोई ग्रेट नहीं था ओके okay? आफ्टर भी ऐसा सच हम लोगों को नहीं मिला तो ना हमें कोई पैलेसेस मिला है ना हम लोगों को कोई और एविडेंसेस इसमें मिले हैं तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग दे वर्शिप बोथ मेल एज वेल एज फीमेल डेट मदर गॉडेस का तो स्टैच्यू भी दिखा है मैंने आपको तो so, मतलब मेल एज वेल एज फीमेल डेट वेयर वर्शिप देन यस येस एप्सोल्यूटली एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट हॉर्स इज एनिमल दैट वाज नॉट अवेयर टू द दरअपन

तो हमने देखा था थ्री भंगा मतलब थ्री बेंड होने चाहिए ओके एक एंकल से लेके नेक तक एक कमर में और एक होना चाहिए बेंड आपके पाव में तो एक एक करके देखेंगे वन लेग इज बेंड ठीक है बॉडी स्लाइटली लाइटली एंड द बॉडी इज लाइटली बट अपोजिटली कॉड एट वेस्ट ओके तो एक बेंड आपका वेस्ट में है और एक बेंड है आपका नेक पे तो दिस इज आवर बेसिकली मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फिर भी दूसरा देखेंगे फेशियल एक्सप्रेशन हैंड गेस्टर मेकअप नहीं भाई ये कहाँ से आ गया ये फेशियल एक्सप्रेशन एंड दर आफ्टर मेकअप इसमें त्रिभंग का कुछ लेना देना नहीं है गॉट इट दर आफ्टर मूवमेंट ऑफ बॉडी फेस हैंड यूज टू एक्सप्रेस वन सेल्फ टू टेल अ स्टोरी ये हो सकता है गॉट इट बट मोस्ट अप्रोप्रिएटली मुझे तीन बैंड चाहिए बॉडी में तो ये तीन बैंड यहाँ पे दिख रहा है मुझे तो ये मोस्ट अप्रोप्रियट है देर आफ्टर लिटिल स्माइल

एक दो क्वेश्चन हरप्पन सिविलाइजेशन में और है बट आर बेसिकली इन विद द कम्पेरिजन सॉरी वैदिक सिविलाइजेशन तो जब वैदिक सिविलाइजेशन के ऊपर आए टेक लेक्चर एट दैट टाइम वो हरप्पन के जो पी है एक दो ही बच्चे हैं वो भी उसमें कवर हो जाएंगे बिकॉज वो कम्पेरिटिव है तो वो कम्पेरिजन में ही करना थोड़ा सा बेटर रहेगा तो दिस टेक्स केयर ऑफ आवर एंटायर हरप्पन सिविलाइजेशन सो आई स्टॉप दिस लेक्चर ओवर हियर ओके आवर नेक्स्ट लेक्चर

जिकल एंड लिटरी एविडेंसरी पीरियड ऑफ टाइम तो थोड़ा सा इन डिटेल जाकर पढ़ना है बट वो सब ऑप्शनल के लिए एज फार एस जी एस कंसर्न इतना काफी है दिस इज बेसिकली फैक्चुअल हराइजन ऑफ द एंटायर हरप्पन सिविलाइजेशन इसके बाहर आपको कोई भी हरप्पन सिविलाइजेशन में कुछ नहीं पूछेगा इतना आपने कर लिया ये मेरी है, personally, कि मेरी गारंटी है पर्सनली की इतना काफी है ओके okay? तो so, ऐसे ही हम लोग अब देखेंगे वेदिक एज के बारे में भी बट दैट इज ए नेक्स्ट लेक्चर तो टुडे विल स्टॉप ओवर हियर गाइस थैंक यू सो मच थैंक यू गाइस स्टडी आईक्यू आईएएस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल